हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संजीव सराठी के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं जी, यह 13 सितंबर 2021 को यह एग्जाम में इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर वालों को ये पूछा गया था जी। तो यहाँ पे हम सभी को सॉल्व करेंगे जी, बारी बारी से। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जी, तो जो नए स्टूडेंट्स वो अपना इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर वाले जो स्टूडेंट हैं वो अपना देखेंगे जी, स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको ड्रॉ करते हैं जी, और सीखेंगे भी जी। क्योंकि एग्जाम में देखिए जी, ऐसा हो रहा है जी, बैक वाला पेपर ही बार बार पूछ दे रहा है जी। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों को हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं यहाँ पे। तो देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ड्रॉ द सिंबल ऑफ द फॉलोइंग, यानी इसमें से पांच गो नाम दिया जाए और पांचों का सिंबल आप लोगों को दिखाना है। वो भी कितना नंबर का था जी? 10 नंबर का था। तो ये हम बारी बारी से ये सभी देखेंगे। ट्रैक है, सेकंड में NOT गेट है, और ये थर्ड है DC वोल्टमीटर है, NPN ट्रांजिस्टर है, और ऑटो ट्रांसफॉर्मर है। ये सभी पाँचों का हम लोग सिंबल देखेंगे कैसा सिंबल होता है। तो सबसे पहले तो मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और इसी तरह का और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए जी। यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं जी, क्वेश्चन नंबर ये एक है, एक का ये आंसर है, एक का फर्स्ट में है जी, ए फर्स्ट में है ए। तो ए में क्या लिया है जी? ट्रायक है। ट्राय का सिंबल कैसा होता है? तो सबसे पहले देखेंगे जी ट्राय किस कैसा होता है जी। तो देखिए जी, बहुत से स्टूडेंट हैं जो बाद में मैसेज करते हैं सर कि हमको ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो क्या होता क्या है जी, आप लोग ध्यान से देखते नहीं है जी, वीडियो को वॉच प्रॉपर नहीं करते हैं, जिसके कारण आप लोग को बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है जी। तो इसको ध्यान में रखकर आप लोग प्रॉपर सही से इसको वाच कीजिए और सीखिए लो कैसे बनता है जी। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ये वाला पार्ट हुआ और इसके बाद ये वाला पार्ट, सॉरी देखिए जी, ये दोनों एक ही साइड में हो गया जी, एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा जी। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ये वाला पार्ट, तो यहाँ से इसको और उसके बाद यहाँ से इसको ऐसे हम लोग शो करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे इसको, देखिए कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग करते क्या है जी, ये जो है जी, यहाँ से हम लोग एक लाइन ऐसा ड्रॉ करते हैं, देन तो इतना हम लोग सबसे पहले क्लियर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से देखिए ये वाला क्या है कि यहाँ से हल्का सा ये लेते हैं, और देन उसके बाद यहाँ से ये वाला पार्ट ऐसे शो करते हैं। तो क्लियर हुआ फाइनली। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे सबको नामांकित करते हैं जी, तो किसको क्या बोलते हैं जी। तो ये वाला पार्ट हमारा एनोड के नाम से जाना जाता है जी, तो इसको MT2 के नाम से ऐसे दिखाते हैं। ये वाला हमारा क्या है जी, गेट के नाम से जानते हैं। उसके बाद ये है जी, ये एनोड फर्स्ट है, ये एनोड फर्स्ट है यहाँ पे, ये वाला हमारा सेकेंड था जी, हो गया जी। ये MT1 से इसको दिखाते हैं। तो ये वाला हमारा फाइनली क्या हुआ जी, ट्राई का सिंबल, यहाँ से देख लीजिए ये ट्राई का सिंबल फर्स्ट में ये बन गया जी, क्लियर हुआ। अब उसके बाद सेकेंड में है जी, बी में है हमारा क्या है जी, बी में है हमारा DC वोल्ट मीटर का सिंबल कैसा होता है। तो ध्यान से देखेंगे DC वोल्ट मीटर का, तो सबसे पहले तो एक हम लोग यहाँ पे सर्किल ड्रॉ कर देंगे उस वोल्ट मीटर का। ये क्या होता है, सांकेतिक नेम क्या होता है जी, V से होता है। उसके बाद ये हो गया जी DC पूछ रहा है, और उसके बाद ये वाला हमारा क्लियर हुआ जी। तो ये वाला हमारा क्या हो गया, फाइनली हमारा DC वोल्ट मीटर हो गया, क्लियर हो गया। उसके बाद सी में दिया है जी हमारा, यहाँ पे सी का देख लेंगे आंसर। सी में दिया है जी हमारा NPN ट्रांजिस्टर के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं जी, यहाँ पे हम लोग एक सर्किल ड्रॉ करते हैं जी। देन सर्किल ड्रॉ करने के बाद यहाँ से देखिए ये वाला पॉइंट, फिर ये वाला पॉइंट ऐसे हो गया, और उसके बाद यहाँ से ये वाला लाइन हुआ, और उसके बाद इसको, और उसके बाद इसको, तो ऐसे हम लोग इसको शो कर देंगे। देन इस शो करने के बाद यहाँ से प्रॉपर यहाँ से ध्यान से देखिए ऐसे, क्लियर हुआ जी। अब इसको नामांकित करते हैं, इसको ये बी हो गया, ये सी, और उसके बाद ये वाला हमारा ई। तो ये वाला क्या हो गया हमारा NPN ट्रांजिस्टर, ये हमारा फाइनली ड्रॉ हो गया, क्लियर हो रहा है जी। ABC, तो ABC हमारा हो गया। उसके बाद डी में दिया है जी NOT गेट, डी में दिया है हमारा NOT गेट। तो कैसा उसका सिंबल कैसा होता है, तो देखेंगे ध्यान से जी NOT गेट का। तो देखिए ये होता है, देन वैसे इस तरह कर दीजिए, और प्रॉपर ऐसे इसको इस तरह ड्रॉ कर देंगे। देन उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करेंगे और आगे की तरफ ये। तो फाइनली हमारा क्या हुआ जी, ये NOT गेट बन के रेडी हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ से ये वाला पार्ट है, उसके बाद ये हो गया, और ये हमारा फाइनल हुआ जी। तो ये वाला हमारा क्या हुआ, फाइनली NOT गेट हमारा बन के रेडी हो चुका है। उसके बाद हमारा 5 नंबर में क्या है जी, 5 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है जी, यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल बनाना है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल यहाँ पे। तो ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल कैसा होता है, तो उसको ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा फाइनली चारों क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया जी। यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर किस टाइप से दिखता है, तो उसका सिंबल हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा पेज को क्या करते हैं, ऊपर कर दे रहे हैं जी। अगर जिनको प्रॉब्लम हो रहा है जी समझने में, तो हमारे पास कमेंट करेंगे जी, उनका पूरा सॉल्यूशन बताया जाएगा क्या कैसे होगा जी। उसके बाद ध्यान से देखेंगे ये वाला ऑटो ट्रांसफार्मर किस टाइप से होता है, तो उसको ध्यान से देखेंगे ये वाला। उसके बाद इसको यहाँ से ऐसे जाएंगे, देन उसके बाद ये वाला पार्ट जाएंगे, क्लियर है। और उसके बाद नीचे की तरफ आइए कुछ, और यहाँ से नीचे की तरफ, अब यहाँ से ये वाला पार्ट ऐसे शो कर देंगे, क्लियर हो रहा है जी।
अब ऊपर से देखिए नीचे की तरफ एरो, फिर नीचे से ऊपर की तरफ एरो, क्लियर हुआ। ये वाला हमारा I1 हुआ जी, और यहाँ पे I1 से I2, क्लियर हुआ जी इतना। अब उसके बाद ध्यान से देखिए इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, देन उसके बाद यहाँ से एक छोटा सा बॉक्स यहाँ पे शो करते हैं जी, जिसमें LOAD लोड लिखा रहता है, देन उसके बाद यहाँ से ऐसे इसको ऐसे शो कर देंगे, तो क्लियर हुआ जी। अब उसके बाद ध्यान से देखेंगे ये वाला सी हमारा कैपेसिटर हो गया जी। उसके बाद यहाँ से देखिए ये वाला एरो, ये देन नीचे से ये एरो है, उसके बाद ये हमारा, क्लियर हुआ जी। तो हमारा ये क्या हुआ जी, फाइनली ये ड्राइंग हमारा बन के रेडी हो गया जी। तो ए है, ये बी है, ये I2 है, ये I1 है, क्लियर। ये वाला I1, ये वाला I2, क्लियर हुआ जी। तो ये वाला हमारा देखिए फाइनली हमारा क्या हुआ जी, ये यहाँ पे ड्राइंग हमारा बन के रेडी हो गया। तो ये वाला हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल हो गया, देन ये NOT गेट का सिंबल हो गया, और सी में NPN ट्रांजिस्टर का सिंबल, देन DC वोल्ट मीटर, और उसके बाद ए में हमारा था जी ये ट्रैक, सॉरी हाँ ट्रैक, ट्रैक का सिंबल। देखिए तो क्वेश्चन नंबर एक का टोटल फाइनली हम यहाँ पे सोल्यूशन हम लोग प्राप्त कर चुके जी। तो ओके फ्रेंड, जैसा कि यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे जी, 13 सितंबर 2021 को इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन हो जी, उन लोगों का जो सेकेंड ईयर का एग्जाम हुआ था, उसका हम लोग सोल्यूशन यहाँ पे दिखा रहे हैं जी। उसका हम स्टेप बाई स्टेप सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन दिखाएंगे जी। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन का अगर सोल्यूशन नहीं देखे हाँ जी फर्स्ट क्वेश्चन में, तो ये 10 नंबर का था जी। तो इसका जाके हमारे चैनल पर वहाँ पे विजिट कीजिए प्ले लिस्ट में, वहाँ पे ऑलरेडी ये दिया गया जी। अभी क्वेश्चन नंबर 2 का ए हम लोग सॉल्व करेंगे। ड्रॉ दी सर्किट डायग्राम ऑफ एन स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। इसको हम लोग मल्टी वाइब्रेटर को यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग इसका ड्रॉ करते हैं जी। इसका डायग्राम देखिए ये क्या था जी, 2 में 3 ऑप्शन था, ए बी सी करके इसमें से कोई एक क्वेश्चन आप लोग को ड्रॉ करना था। यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान से दिखाई दे रहा है जी पूरा स्पष्ट, थोड़ा सा आप क्या करें हल्का सा जूम भी कर लीजिए जी। तो इसको हम लोग देखेंगे कैसे स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग तो लिख ले रहे हैं जी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है जी। क्वेश्चन नंबर 2 का ये है जी, ये क्या लिखा हुआ है जी, स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। इसका हम लोग सिंबल यहाँ पे मल्टी वाइब्रेटर का सिंबल हम लोग बनाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे इसको बनाना स्टार्ट करते हैं कैसे स्टेप बाय स्टेप, आप लोगों को काफ़ी आसान मेथड से बता रहे हैं जी। देखिए सबसे पहले यहाँ पे इस टाइप का एक लीजिए लाइन, उसके बाद ध्यान से देखिएगा, उसके बाद इधर हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले तो एक आयताकार बॉक्स टाइप का एक बना लेंगे जी, उसके बाद से इधर भी हम लोग ऐसे बॉक्स बना लेंगे, क्लियर हो रहा है जी। अब उसके बाद देखिए ये नीचे से ये और ये भी नीचे से इतना हम लोग पार्ट ऐसे ले जाएंगे, क्लियर हुआ। अब उसके बाद देखिए यहाँ से ये वाला पार्ट ऐसे ड्रॉ करेंगे, क्लियर हुआ जी। तो ये वाला पार्ट यहाँ से ड्रॉ कर देंगे, देन उसके बाद यहाँ से देखिए यहाँ पे एक छोटा सा सर्किल ड्रॉ कर कीजिएगा, यहाँ पे एक छोटा सा सर्किल ड्रॉ करेंगे। देन सर्किल ड्रॉ करने के बाद आगे नीचे ध्यान से देखिएगा ये पार्ट है जी, इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, और बढ़ाने के बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फिट करते हैं जी, और रेजिस्टेंस फिट करने के बाद यहाँ पे एक चौक भी, ये चौक टाइप का रहता है जी, वास्तव में ये चौक नहीं होता है जी, लेकिन सेम टू सेम उसी उसके जैसा सिंबल यहाँ पे रहता है। तो इसको ध्यान से देखेंगे यहाँ पे इस पार्ट को आगे की तरफ ये ड्रॉ करेंगे, देन ये लाइन भी, क्लियर हुआ जी। देन उसके बाद देखिए इसको स्टेप बाय स्टेप इसका नामांकित भी करते चलेंगे जी। तो ये है हमारा L2 के नाम से, ये लाइन 2 के नाम से इसको डिनोट करते हैं। देन ये वाला डबल एरो यहाँ पे देखिए L2 लिखा हुआ है, यानी तो इस टाइप का ये, सॉरी थोड़ा सा ये मिस्टेक हो रहा है, तो ऐसे हमारा डबल एरो यहाँ से शो होगा, तो क्लियर हुआ। इसको और हल्का सा आगे की तरफ देख लीजिएगा यहाँ पे, उसके बाद देखिए ये पार्ट यहाँ पे बनाया है, तो इसको देखिए यहाँ से ये इसको ऐसे, और देन ये वाला भी पार्ट इसको ऐसे यहाँ पे शो कर देंगे, तो क्लियर हुआ जी। इस टाइप से हम यहाँ पे ये ड्रॉ कर देंगे जी, उसके बाद आगे ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ ड्रॉ करने के बाद उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो पार्ट है यहाँ पे हम लोग ऐसे शो करेंगे, यहाँ से देखिए, क्लियर हो रहा है जी। अब उसके बाद देखिए ये 9 वोल्ट यहाँ पे ये क्लियर हुआ। उसके बाद आगे ध्यान से देखिए इसमें और क्या चीज़ लगाते हैं यहाँ पे, तो स्टेप बाय स्टेप आप लोग ध्यान से देखिएगा जी, क्योंकि बना देने के बाद बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैसेज करते हैं कि हमको यहाँ प्रॉब्लम है, तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए जी प्रॉपर वीडियो को वॉच कीजिए, लो तभी समझ में आएगा जी। तो इसको आगे की तरफ यहाँ से हम लोग यहाँ से ये लाइन हुआ, देन उसके बाद ये लाइन हुआ यहाँ से, और उसके बाद इसको देखिए ये वाला पार्ट ऐसे, ये लाइन ऐसे शो करेंगे। देन शो करने के बाद आगे की जिस तरह यहाँ पे एरो ये दिखाए हैं जी, तो उसी तरह यहाँ पे भी
सेम टू सेम एरो यहाँ पे शो करेंगे, और इसके बाद शो करते हुए यहाँ पे इस टाइप का एरो शो करते हुए आगे की तरफ इसको आगे की तरफ, फिर जिस तरह यहाँ पे सर्किल दिए वैसा ही सेम टू सेम सर्किल हम लोग यहाँ पे भी देंगे। भी यहाँ से इस लाइन को यहाँ से रखते हुए इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे, देन उसके बाद आगे ध्यान से देखिए ये थोड़ा मेरा क्या हुआ जी, यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन ये आ गया, या नहीं तो इसी को यहाँ से ऐसे इस टाइप से एरो से शो कर देंगे और उसके बाद इसको ऐसे शो कर, क्लियर हुआ जी। तो इस टाइप से हमारा शो कर दिए, अब इस तरह से शो करने के बाद आगे ध्यान से देखेंगे यहाँ से एक लाइन ऐसे लाइए और उसके बाद एक लाइन यहाँ से ऐसे प्रॉपर लाएंगे, और लाने के बाद यहाँ से समझिएगा थोड़ा सा, क्योंकि जो दिक्कत हो रहा है जी बहुत से ऐसे स्टूडेंट को यहीं पे दिक्कत होता है जी, तो उन लोगों को देखिए ध्यान से यहाँ पे प्रॉपर देखिएगा जी वीडियो को, क्योंकि आप लोग अधूरा वीडियो देख लेते हैं जी, देन उसके बाद आप लोगों को समझने में परेशानी होता है जी। तो इसको ध्यान में रख के यहाँ से ये वाला हुआ, देन उसके बाद ये वाला पार्ट हुआ, और उसके बाद ये वाला पार्ट, उसके बाद ध्यान से देखिए ये वाला पार्ट ऐसे शो कर देंगे और उसके बाद ये वाला पार्ट ऐसे शो कर देंगे, क्लियर भाई जी। अब इस तरह शो करने के बाद यहाँ से इसको सॉरी देख लीजिएगा यहाँ पे ये क्या एक्स्ट्रा लाइन हो गया जी, तो इसको ध्यान से यहाँ पे मिटाएंगे और यहाँ पे एक पार्ट फिट करेंगे, तो क्या है जी तो ध्यान से देखिए इस टाइप से ये, और उसके बाद से ये, उसके बाद यहाँ पर भी ये, और उसके बाद ये वाला पार्ट ऐसे फिट हो, तो क्लियर हुआ जी। देखिए ये प्लस हुआ, देन ये इधर भी प्लस, ये सी वन हुआ, ये सी टू हुआ, ये 10, फिर यहाँ पे भी हमारा 10, क्लियर हुआ जी। तो ये फाइनली हमारा इतना तक ड्रॉ हो गया, देन इतना ड्रॉ होने के बाद ये जो एरो है जी यहाँ पे जिस तरह यहाँ पे ये दिखाया गया जी वैसा ही एरो यहाँ पे भी शो करेंगे, और उसके बाद इसको हम L1, ये L2 था यहाँ पे L1, तो क्लियर हुआ जी। देन इसको बनाने के बाद आगे ध्यान से देखेंगे क्या करेंगे इसमें जी, यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ ऊपर से करेंगे, और सेम काम इधर भी छोटा सा लाइन ऊपर से, और उसके बाद यहाँ से देखिए इसको और ये वाला पार्ट देखिए इस टाइप का रेजिस्टेंस ये शो करते हैं जी यहाँ पे, सेम काम ऐसा ही इस टाइप से, क्लियर हुआ जी। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हुआ जी इतना तक, उसके बाद देखिए इसको नामांकित कर देते हैं जी, ये वाला ऐसे हो गया ये पार्ट, उसके बाद ये वाला पार्ट हुआ, क्लियर हो रहा होगा जी। अब उसके बाद ये है हमारा, ये R1 है, ये वाला हमारा R2 है, ये वाला हमारा R3 और ये वाला हमारा R4 है, ये 470, ये 470 के, ये 470 के, और ये 470, क्लियर हुआ। तो ये वाला क्या हुआ जी हमारा फाइनली, ये सेम टू सेम ये स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर ये बन के हमारा फाइनली रेडी हुआ जी। इतना ही बनाने के लिए आपको कितना नंबर का था जी, आपको एग्जाम में 15 नंबर था जी, लेकिन बहुत से हमारे ऐसे स्टूडेंट है जो नहीं बना पाएगी, तो इसको जो नए स्टूडेंट है वो फ्यूचर में इस टाइप का एग्जाम पूछ भी सकता है जी क्वेश्चन, तो आप लोग एक बार एक से दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा और सीख लीजिएगा कि कैसे बनता है। तो ओके फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहे हैं जी 13 सितंबर 2021 को, या इलेक्ट्रीशियन हो या वायरमैन हो, उन लोगों को सेकेंड ईयर के एग्जाम ये क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा गया था, तो अभी हम लोग सीखेंगे जी इसको कैसे, इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, इसके बारे में सीखेंगे जी। तो ध्यान से देखेंगे सभी को जी, और उसके बाद सीखेंगे कैसे हम इसको ड्रॉ करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम लोग देखिए जी यहाँ पे ये फर्स्ट में जो दिया है जी, ये सिंबल दिया था, तो फर्स्ट में हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन बना चुके हैं जी, जो वीडियो नहीं देखे हो जाइए प्लेलिस्ट से, वहाँ पे देखिए वहाँ पे बना चुके हैं। उसके दो का ये था जी, ड्रॉ दी सर्किट डायग्राम ऑफ एन स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, इसका भी डायग्राम हम लोग बना चुके हैं जी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, या ये जो वीडियो अभी देख रहे हैं जी इसको जाइए इसी चैनल पर और प्लेलिस्ट से वहाँ से देख सकते हैं जी। तो अभी हम लोग देखेंगे जी ये जो क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर ये 2 का B होगा जी, ड्रॉ दी फ्रंट पैनल डायग्राम ऑफ यूनिवर्सल कैलिपर, सॉरी कैलिब्रेटर, यानी यहाँ पे पैनल फ्रंट पैनल डायग्राम ऑफ यूनिवर्सल कैलिपर बनाना है, कैलिब्रेटर बनाना है जी। तो उसका हम लोग देखेंगे कैसे स्टेप बाय स्टेप आप लोग सीखेंगे जी, जो हमारे दोस्त जो पुराने स्टूडेंट है जो एग्जाम दे कर आए जी, तो अपना आंसर की भी मिला सकते हैं, या जो नए स्टूडेंट्स है तो अपना वो प्रैक्टिस कर लेंगे जैसे क्वेश्चन कैसे ये ड्रॉ किया जाता है जी। तो बहुत से हमारे ऐसे दोस्त हैं जिनको ये सब बनाने बिल्कुल भी नहीं आता है जी, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे आप लोगों को प्रॉपर बता रहे हैं जी, उसके बाद ध्यान से देखिए इसको और समझिएगा कैसे कैसे बनाया जा रहा है जी। तो ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे तो सबसे पहले हम लोग लिख दे रहे हैं जी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है जी, 2 का ये हमारा बी है, यहाँ पे क्या बनाना है जी, यूनिवर्सल कैलिब्रेटर हम लोग बनाएंगे यहाँ पे। अब इसको देखिए कैसे बनाते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे जी, क्योंकि मिस कीजिएगा तो आप लोग समझिएगा जी, नहीं तो बाद में मैसेज करते हैं सर कि हमको ये नहीं समझ में आया। तो देखिए आप लोग को इसके बारे में जो पूछा था यूनिवर्सल कैलिब्रेटर कैसे ड्रॉ करते हैं, इसका सिर्फ फ्रंट व्यू का डायग्राम पूछा था जी, इसके बारे में नहीं पूछा था इसका काम क्या है और ये इसका कार्य विधि वगैरह ये सब के बारे में नहीं पूछा गया था जी। तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा जी,
देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसको ऐसे पहले इसको एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बना लेते हैं जी। उसके बाद यहाँ से भी हम लोग इस टाइप से एक ब्लॉक बना देते हैं जी। क्लियर भाई जी। अब इतना बनाने के बाद यहाँ से देखिए फिर यहाँ से एक नीचे एक ब्लॉक बनाएंगे। देखिए ये सभी जो ब्लॉक बना रहे हैं जी सबका अलग अलग अपना काम है। देखिए ये वाला हमारा ऐसे हो गया। उसके बाद देखिए ये वाला हमारा LCD हो गया जी। यहाँ पे तो LCD का फुल फॉर्म जानते हैं जी क्या होता है जी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है जी, LCD का फुल फॉर्म होता है। उसके बाद यहाँ बीच में दो ठो सर्किल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और एक यहाँ पे भी सर्किल ड्रॉ होता है। क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ पे ऐसे रहेगा जी। उसके बाद ये हुआ, उसके बाद हमारा ये हुआ एक, उसके बाद इसमें इस टाइप का रहेगा। देखिए जैसे भी दे रहा है जी इसमें मार्किंग उस तरह आप लोग भी दीजिएगा प्रॉपर। क्लियर हुआ जी। अब देखिए ये जो भी मार्किंग किया है ये सबको नामांकित करेंगे। तो इसको हम MO यहाँ पे ये मेरा क्या हुआ जी, तो इसको MODE मोड। उसके बाद ये है हमारा SINK सिंक। उसके बाद ये वाला है, ये वाला हमको ये तीसरा लिख देते हैं SOURC सोर्स। उसके बाद देखिए ये है जो ये तीनों का नाम हो गया जी। उसके बाद ये सिलेक्टेड ये रहता है जिससे कोई फर्क नहीं है। उसके बाद देखिए ये वाला है जी यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे ये टेम्परेचर हुआ। उसके बाद ये वाला जो है जी ये OHM यानी ओम मीटर हुआ। उसके बाद ये है जी MA का मतलब हुआ जी मिली एम्पियर। क्लियर हुआ जी। और यहाँ पे MV का मतलब हुआ जी मिली वोल्ट। तो क्लियर हुआ जी हमारा इतना। उसके बाद यहाँ से देखेंगे इस लाइन को आगे की तरफ, इसको हम लोग ये लाइन आगे की तरफ बढ़ाएंगे, फिर इसको हम नीचे की तरफ यहाँ पे शो करते हुए, यहाँ से शो करते हुए, यहाँ से नीचे की तरफ शो करते हुए इसको और हल्का सा नीचे लाइए। देन उसके बाद अब उसके बाद यहाँ से देखिएगा इस पार्ट को हम लोग यहाँ से ऐसे शो करते हुए ये, और उसके बाद इसको फाइनली हम नीचे की तरफ दिखाएंगे जी। फाइनली इसको हम लोग नीचे की तरफ दिखा देंगे और उसके बाद इसको एक दूसरे से हम लोग इसमें इस तरह से हम लोग क्लोज कर देंगे। तो क्लियर हुआ जी। अब देखिए इस तरह हम लोग क्लोज कर दीजिए एक रेक्टेंगुलर में। अब देखिए इसके अंदर छोटा छोटा पैनल भी बना हुआ रहता है, तो उस पैनल को हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट में कौन सा पैनल बनेगा। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोग देखिएगा जी और समझिएगा कैसे बन रहा है जी। देखिए इस टाइप से यहाँ से ये पैनल हुआ। उसके बाद यहाँ से देखिए, उसके बाद यहाँ पे भी एक ये पैनल यहाँ पे, यहाँ से अब इसको ऐसे करके और उसके बाद हम लोग इसको यहाँ से, देन उसके बाद ये वाला है जी यहाँ से, ये जो एक्स्ट्रा, ये वाला जो एक्स्ट्रा है जी इसको हम लोग लाइन इसको इरेज कर देंगे जी, मिटा देंगे। तो फाइनली हमारा इतना तक अभी रेडी हुआ जी। उसके बाद यहाँ से देखेंगे ये पैनल हुआ। उसके बाद यहाँ से देखिए अब यहाँ पे एक छोटा सा पैनल हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो कैसे उस पैनल को ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए ये हुआ और उसके बाद ये लाइन हुआ और उसके बाद ये लाइन हुआ और देन ये वाला लाइन। क्लियर हुआ जी। अब उसके बाद इतना फाइनल होने के बाद अब यहाँ से फिर यहाँ पे एक ब्लॉक बनाएंगे। देखिए सभी ब्लॉक बना रहे जी, सभी का काम है। तो क्या काम है, तो अभी देखिए ये क्या है जी हमारा मल्टी यहाँ पे यूनिवर्सल कैलिब्रेटर है जी। तो यूनिवर्सल कैलिब्रेटर का ये फिगर कैसा होता है जी, डायग्राम सॉरी फ्रंट व्यू का डायग्राम कैसा होता है वो हम लोग यहाँ पे डिजाइन कर रहे हैं जी। तो इसको ध्यान में रखेंगे यहाँ से, और उसके बाद ये वाला पार्ट हुआ और उसके बाद ये वाला। अब देखिए ये वाला क्या है जी, ये वाला हमारा क्या है जी स्विच है, ये वाला ऊपर हमारा ऑफ और नीचे हमारा ये ऑन। क्लियर हुआ। अभी देखिए जो सभी है जी, उसके बाद यहाँ पे दो ठो यहाँ पे छोटा छोटा ये सर्किल ड्रॉ करेंगे, इसको हम फाइन के नाम से जानते हैं। ये देखिए ये क्या जी हमारा MV है और MA यानी मिनी वोल्ट है और हमारा सॉरी मिली वोल्ट है और हमारा मिली एम्पियर यहाँ पे बताए थे जी। अब यहाँ पे ये हमारा है यहाँ पे CORC कोर्स। उसके बाद ये वाला हमारा, उसके बाद नीचे देखिए ये भी फिर यहाँ से ये पॉजिटिव है और ये वाला हमारा निगेटिव है, ये हमारा MV है यानी मिली वोल्ट। क्लियर हुआ फाइनल। उसके बाद यहाँ से देखिए यहाँ पे ये वाला हमारा RTD क्या है जी, हमारा RTD है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे इस टाइप का ये क्लॉक लगा वहाँ पे ऑन ऑफ कर वो सॉरी क्या होता है जी लेफ्ट राइट थोड़ा सा मूव करने के लिए इस टाइप का ये रहता है जी। उसके बाद यहाँ से देखेंगे इसके नीचे सर्कल ऐसे रहता है। उसके बाद P1 से लेके 100 तक ऐसे रहता है हमारा। तो ये हमारा फाइनली क्लियर हुआ। उसके बाद आगे ध्यान से देखेंगे, उसके बाद ये वाला इधर भी और इधर ये पॉजिटिव रहता है, ये वाला हमारा निगेटिव रहता है, ये वाला हमारा सिंक के नाम से जानते हैं और ये वाला हमारा मिली एम्पियर होता है जी। अब यहाँ पे हम ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है जी और MA मिली एम्पियर सोर्स SOURCE। तो फाइनली हमारा ये क्या हुआ जी, ये 100% ये क्या हो गया जी यूनिवर्सल। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं जी, यह 13 सितंबर 2021 को सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन जो सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को एग्जाम में पूछा गया था जी। अभी जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले हैं जी वो हो सके वो एग्जाम में उन लोगों को यही क्वेश्चन क्या हो जी रिपीट कर सकता है जी। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का देखेंगे सोल्यूशन, हम सबका प्रॉपर क्वेश्चन का सोल्यूशन दे रहे हैं जी। यहाँ पे जो भी ये क्वेश्चन नहीं देखे जी, एक ये जो पांचों ऑप्शन है इसका ये कैसे ड्रॉ किया, तो वहाँ पे जाइए मेरे चैनल पे विजिट कीजिए, वहाँ पे मिलेगा। दो का AB भी मिलेगा और दो का हम C यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है जी ड्रॉ द डायग्राम ऑफ DOL स्टार्टर का फिगर हम लोग ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे अभी सीखेंगे कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन लिख दे रहे हैं जी दो का, ये कौन सा है जी क्वेश्चन नंबर
दो का ये सी है जी, DOL स्टार्टर, DOL स्टार्टर का फिगर ड्रॉ करना था। तो ये कैसे ड्रॉ किया जाता है जी, तो यहाँ पे सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप, आप लोगों को बताएंगे जी कैसे इसको ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये सर्किल सर्किल ड्रॉ करेंगे जी। इसमें सर्किल ड्रॉ करना है जी, तो कैसे यहाँ पे बनाएंगे, इसको बनाने से पहले यहाँ पे एक छोटा सा दो ठो सर्किल ड्रॉ करते हैं जी। तो सॉरी ये जो कंपास होगा जी आप लोगों के पास, तो कंपास की सहायता से थोड़ा सा ये क्या कीजिए, हल्का बड़ा कीजिए जी। तो इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद एक और छोटा इसे सर्किल एक ड्रॉ कर लेते, क्लियर। अब इसी के जस्ट नीचे जो सर्किल है इससे थोड़ा सा छोटा छोटा आकृति में एक और सर्किल हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, देखिए, और जो स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम दे चुके हैं वो अपना क्वेश्चन भी मिला लेंगे जी, वो कैसे एग्ज़ाम में बनाए हैं जी। तो पुराने वाले स्टूडेंट भी मिला सकते हैं या जो नए स्टूडेंट जाने वाले हैं जी एग्ज़ाम में, तो प्रॉपर। तो यहाँ पर हम लोग सर्किल ड्रॉ कर चुके हैं जी। अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा हम डार्क कर दे रहे हैं जी कि आप लोग को ये फिगर क्या थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखे। तो ध्यान से देखिएगा, इसको इस पार्ट को हम लोग ऐसे डार्क पोजीशन में बना दिए, और उसके बाद ये वाला देखिए, ये डार्क हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद आगे ध्यान से देखेंगे, इतना करने के बाद अब यहाँ से एक लाइन हम लोग यहाँ से लेंगे जी। तो कैसे लाइन लेंगे और क्यों लेंगे जी, तो रेखा ध्यान से देखिएगा जी कैसे हम जैसे जैसे यहाँ पे बना रहे हैं उस टाइप से आप लोग भी बनाइएगा, तो प्रॉपर आप लोगों को वीडियो समझ में आएगा जी। देख लीजिएगा यहाँ पर ध्यान से जी, इस पार्ट को यहाँ से ड्रॉ कर देंगे, और उसके बाद ये वाला होगा। उसके बाद ध्यान से देखेंगे यहाँ पे जो है ना जी, सबको यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे इस टाइप का हम लोग ब्लॉक इस टाइप से बनाते हैं जी, और दोनों साइड में ये थोड़ा बड़ा बड़ा रखिए यहाँ से, और इसको यहाँ से, क्लियर हुआ। तो एक बना, उसके बाद फिर यहाँ से भी हम लोग ऐसा बनाएंगे जी। तो यहाँ से भी हम लोग आसानी से इस टाइप से इसको बना सकते हैं जी। तो ये वाला हमारा दूसरा ब्लॉक हुआ, देन उसके बाद इसको हम लोग HB यहाँ से कर दे रहे हैं जी, आप लोगों को प्रॉपर समझ में आएगा जी। उसके बाद इसको देखिए यहाँ से इरेज करते हैं, देन इरेज करने के बाद यहाँ से एक चौथा ब्लॉक बनाते हैं, यहाँ से चौथा ब्लॉक यहाँ से ये प्रॉपर ऐसे बना दीजिए, सॉरी तीसरा, और सेम टू सेम यही ब्लॉक यहाँ पर एक चौथा ब्लॉक भी हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा जी कैसे ड्रॉ हो रहा है जी, इसी तरह आप लोग भी सेम टू सेम बनाइएगा जी। तो ये वाला हमारा ये फाइनली इतना ड्रॉ हो चुका। अब उसके बाद यहाँ से देखिए, ये वाला इतना ड्रॉ हो जाने के बाद जी, यहाँ से इतना फाइनल होने के बाद अब आगे देखिए क्या करते हैं जी। यहाँ से जो बीच वाला लाइन है जी, ये ऐसे हम लोग, और देन यहाँ से एक ऐसे ड्रॉ करते हैं, देन उसके बाद यहाँ से देखिए ये वाला है जो पार्ट, ऐसे हम ड्रॉ करेंगे, देन ये वाला पार्ट है जी, ऐसे हम लोग शो करेंगे। उसके बाद ये पार्ट हो गया जी, और उसके बाद ये पार्ट भी ऐसे हो गया। तो इतना हमारा फाइनली बना जी। अब आगे ध्यान से देखेंगे, यहाँ से आगे देखेंगे जी, आगे अब कौन सा पार्ट बनाएंगे। तो इसको ध्यान से देखिए, ये जो भी लाइन लिए हैं सबको यहाँ से आगे की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे, सभी इसी के पैरेलल जी, क्लियर हो रहा है जी, इसी के जो सामने लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, देन यहाँ पर भी इस टाइप से बना देंगे वो तीनों लाइन पर, क्लियर हुआ जी। देन उसके बाद यहाँ पर भी ये पार्ट ऐसे शो करेंगे, क्लियर हुआ इतना। अब इतना फाइनल होने के बाद आगे ध्यान से देखिए, अब इसी के जस्ट सामने एक और छोटा छोटा इस टाइप से सर्किल देंगे, उसके बाद देखिए ये वाला पार्ट को ऐसे सबको मिला देंगे। तो क्लियर हुआ जी, इतना मिलाने के बाद अब आगे ध्यान से देखेंगे, इसको आगे की तरफ शो कीजिए, देन सेम इसको भी, और सेम इसको भी, क्लियर हो रहा है जी। देन उसके बाद फिर यहाँ पे भी ये छोटा छोटा ये इस टाइप से आकृति बनाइए, फिर ये और ये, फिर ऐसे मिला देंगे, ऐसे सबको प्रॉपर ऐसे मिला के, देन फाइनली इसका टॉप पोजिशन यहाँ तक हमारा आ जाएगा जी। तो क्लियर हुआ जी, तो यहाँ से ये फाइनली हमारा बन के इतना तक फाइनल रेडी हुआ। अभी अब आगे देखिए, आगे अगला काम क्या करेंगे, अगला पॉइंट है जी, यहाँ से ये वाला सर्किल, देन यहाँ से ये वाला, इस टाइप से हमको हम लोग आकृति यहाँ से ऐसे शो करेंगे। देन आगे शो करने के बाद यहाँ से देखिए, यहाँ से भी इस टाइप का एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, और इसको यहाँ तक। तो फाइनली हमारा इतना तक हुआ जी। अब आगे ध्यान से देखेंगे, ये जो भी लाइन है जी सबको प्रॉपर अब आगे से बढ़ाएंगे, और कैसे बढ़ाएंगे इसको ध्यान से देखिए। ये लाइन सबसे पहले यहाँ से एक लाइन लेते हैं जी, तो फाइनली हमारा इतना तक ड्रॉ होगा। अब आगे ध्यान से देखेंगे, ये वाला जो पार्ट है इसको ऐसे शो करेंगे, देन उसके बाद ये ऐसे शो कर देंगे, क्लियर भाई। अब यहाँ से ये मिला है तो इसको ऐसे शो कीजिए, देन आगे ध्यान से देखेंगे, इसको शो करने के बाद यहाँ से, और इसको
इस टाइप से ये यहाँ पर भी शो करेंगे, क्लियर भाई। देन दूसरा देखिए, दूसरा एक और ब्लॉक यहाँ से बन गुजरेगा जी लाइन, तो देखिए ये वाला है। अब उसके बाद देखिए इस लाइन को हम लोग आगे की तरफ यहाँ से बढ़ाएंगे और यहाँ से ऐसे शो कर देंगे, तो क्लियर भाई। यहाँ से इस लाइन को हम लोग शो किए। अब उसके बाद देखिए आगे इसमें क्या करते हैं, इतना फाइनल होने के बाद अब यहाँ से हम देखिए ये वाला लाइन थोड़ा सा कहाँ ज़्यादा हो गया है, तो इसको इरेज करेंगे जी। तो इसको क्या कीजिए, यहाँ से हम लोग इरेज कर देंगे, और इरेज करने के बाद इसको प्रॉपर यहाँ से देखिए ये वाला, यहाँ से हम लोग एक लैंप यहाँ पे हम लोग सेट करेंगे जी। तो लैंप देखिए, देखिए इस टाइप से लैंप हम लोग सेट कर चुके जी। अब उसके बाद यहाँ से देखिए, ये सेट करने के बाद इसको देखिए ऐसे शो करते हुए इसको आगे की तरफ ये लाइन, और देन उसके बाद ये लाइन प्रॉपर ऐसे मिला देंगे। तो फाइनली हमारा ये क्या हुआ जी, इतना तक क्लियर हुआ जी इतना। अब उसके बाद यहाँ से देखिए ये वाला है जो ये एक्स्ट्रा लाइन हो गया है, तो इसको हम लोग मिटा भी सकते हैं, समझ में आ रहा है जी। तो यहाँ से इसको मिटा भी दीजिए, तो ये वाला हमारा फाइनली इतना क्लियर हुआ। अब आगे ध्यान से देखेंगे, अब आगे ध्यान से देखिए ये वाला लाइन यहाँ तक आया हमारा, और उसके बाद ये लाइन है जो थोड़ा सा और ऊपर की तरफ बढ़ा के, और यहाँ से हम आगे की तरफ ये लाइन लाएंगे, और लाने के बाद इसको नीचे ये कीजिए, और उसके बाद इस पार्ट को भी नीचे कर देंगे, तो क्लियर हुआ जी इतना। अब इतना फाइनल होने के बाद इसको देखिए यहाँ से ये शो कीजिए, और उसके बाद यहाँ से इसको शो करेंगे, देन उसके बाद ये वाला पार्ट शो कीजिए, और उसके बाद ये वाला भी पार्ट ऐसे शो करेंगे। तो फाइनली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जी। अब उसके बाद ये है जी, अब ऐसे इसको भी शो करते हैं, क्लियर भाई जी। तो ये वाला पार्ट ऐसे बन गया। अब उसके बाद यहाँ से देखिए, अब इतना बनाने के बाद अब देखिए सबको नामांकित करेंगे जी, कौन किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से देखिएगा सबसे पहले, तो ये पहले कितना सप्लाई दे रहा है जी, तो 3 फेज सप्लाई है। तो ध्यान से देखिएगा, ये देखिए ये हमारा क्या जी, हम पहले लैंप बोले तो उसके लिए सॉरी जी, ये लैंप नहीं था, ये मैग्नेटिक कॉइल था। उसके बाद ये वाला फ्यूज है, यहाँ से 3 फेज क्या हो रहा है जी, सप्लाई दिया जा रहा है। और उसके बाद देखिए इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं जी, इसको, तो इसको हम लोग शो करने के लिए जी नीचे यहाँ पे हम लोग इसको हम ऐसे यहाँ से एरो से हम लोग शो करते हैं, और इसको दिखाते हैं जी क्या नाम है इसको। तो यहाँ पे देखिए जी, कॉन्टैक्ट टू कीप, कॉन्टैक्ट टू कीप क्वाइल इनर्जी सेट, क्लियर हुआ जी, इनर्जी सेट ये हमारा ये है जी। उसके बाद यहाँ से देखिएगा, अब एनओ और एनओसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पे एनओ का फुल फॉर्म होता है जी नॉर्मल ओपन, और एनसी का फुल फॉर्म होता है जी नॉर्मल क्लोज, नॉर्मल क्लोज, क्लियर हुआ जी। तो ये वाला इतना तक हमारा फाइनल हुआ। उसके बाद ध्यान से देखिए ये वाला, उसके बाद देखिए इसको किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग कॉन्टैक्टर के नाम से जानते हैं जी, कॉन्टैक्टर, क्लियर हुआ जी, कॉन्टैक्टर। उसके बाद देखिए ये वाला किस नाम से जानते हैं इसको जी, तो इसको थर्मल, थर्मल ओवरलोड, ओवरलोड रिले, क्लियर हुआ जी। तो थर्मल ओवरलोड रिले के नाम से जानते हैं। उसके बाद ध्यान से देखिए ये वाला पार्ट है, इसको देखिए ये वाला हमारा क्या है, इसको हम इसको स्क्वायर्ड केज रोटर के नाम से जानते हैं। ये क्या है जी हमारा, तो यहाँ पे लिख भी दे रहा है जी, स्क्वायर्ड केज रोटर के नाम से जानते हैं। तो फाइनली हमारा क्या हुआ जी, ये ड्राइंग बन के ये रेडी हो चुका है। तो ओके, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं जी, यह एग्जाम में पूछा गया था 13 सितंबर 2021 को, यह एग्जाम में इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन से जो भी है जी सेकेंड ईयर वालों स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चन है जी, जो पूछा गया था उसी का हम लोग सोल्यूशन यहाँ पे बना रहे हैं जी। अभी पिछले क्लास में हम लोगों ने बाकी एक दो का ए बी सी ये सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग बना चुके हैं जी। अगर जो वीडियो नहीं देखे तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं और सीख सकते हैं जी कैसे ड्रॉ किया जाता है। अभी इस क्वेश्चन में हम लोग सीखेंगे 3 का, ए ड्रॉ दिए ब्लॉक डायग्राम ऑफ एक्सरे मशीन का, यानी एक्सरे मशीन जो होती है जी उसका ब्लॉक डायग्राम किस टाइप में होता है, तो उसका हम लोग सेम टू सेम डायग्राम देखेंगे, बनाकर सीखेंगे कैसे बनाते हैं जी। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे, सबसे पहले तो हम लोग लिख ले रहे हैं जी यहाँ पे क्वेश्चन है जी, ये क्वेश्चन 3 का ये ए है, तो यहाँ पे और क्या दिया है जी, एक्स रे मशीन, एक्स रे मशीन का ये हम अभी डायग्राम हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ऊपर कर ले रहे हैं जी आप लोगों को दिखने में आसानी हुई। देखिए ब्लॉक डायग्राम यानी उसका अंदर का पार्ट, इंटरनल पार्ट को हम लोग शो करेंगे यहाँ पे, तो कैसे शो किया जाता है तो उसको ध्यान से देखेंगे। थोड़ा सा और क्या करें, जूम कर दे रहे हैं जी, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कैसे बनाएंगे इसको। तो सबसे पहले करते क्या है जी, यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे रेक्टेंगुलर आकृति यहाँ पे बनाते हैं, शो करते हैं। तो ध्यान से देखिए कैसे बनाते हैं जी, इसी तरह आप लोग भी स्टेप बाय स्टेप बनाना स्टार्ट कीजिएगा, तो हो सके। देखिए जिससे एक बार में नहीं बना है वो 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो निश्चित बन जाएगा जी। ये मेरे बनाने का मतलब है कि, तो यहाँ पे हम ऐसे आकृति बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे ये आकृति बनाने के बाद, उसके बाद ये सेम टू सेम इसके जस्ट थोड़ा सा गैप रख के, और यहाँ से छोटा छोटा आकृति यहाँ पे एक रखेंगे, देन उसके बाद यहाँ से ये रखेंगे, और उसके बाद यहाँ से ये आकृति रखेंगे। अभी देखेंगे सबका हम लोग कैसे हम यहाँ पे आकृति बनाएंगे जी यहाँ पे। तो ये देखिए ये वाला हमारा यहाँ पे ये आकृति यहाँ से क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ से देखिए, उसके बाद ये है, और उसके बाद
ये जो पार्ट है जी, ऐसे हम लोग इसको शो करेंगे, ये वाला यहाँ से, और उसके बाद इसको हम लोग यहाँ से ऐसे शो करेंगे। तो क्लियर हुआ जी, इस टाइप का हम लोग ब्लॉक बना दिए। उसके बाद आगे ध्यान से देखेंगे, इतना बनाने के बाद अब इसमें देखेंगे, इतना इतना तो हम लोग ब्लॉक बना चुके हैं। अब उसके बाद देखिए, यहाँ से एक और छोटा सा यहाँ से हम लोग ये ब्लॉक यहाँ से हम लोग बनाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ये ब्लॉक यहाँ से ऐसे, और उसके बाद इसको ऐसे हम लोग शो करेंगे। क्लियर हुआ? देन इतना बनाने के बाद इसको ऐसे हम लोग ये, और उसके बाद ये। तो क्लियर हुआ? अब इसको हम लोग यहाँ से ये हुआ, और उसके बाद ये वाला पार्ट ऐसे बना दिए। क्लियर हो रहा है जी? तो ऐसे बनाएं, उसके बाद आगे ध्यान से देखेंगे आगे से क्या। इसमें से छोटा सा दो ठो हम लोग कनेक्शन निकालेंगे, और कनेक्शन निकालेंगे तो कैसे, कहाँ काम होगा जी कनेक्शन का, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो इसको हम आगे की तरफ उधर से ले जाएंगे, और इसको हम लोग यहाँ से, और यहाँ से लाने के बाद इसको ऐसे हम लोग ये ऐसे शो कर देंगे। क्लियर हुआ? अब उसके बाद ये वाला पार्ट है तो ऐसे शो कर देंगे। तो क्लियर हुआ जी? अब इतना शो कर, देखिए क्या बड़ा एक्सरे मशीन का ये डायग्राम बन रहा है जी। तो ध्यान से देखिएगा कैसे, मतलब ये होता है जी इस टाइप से, और इस टाइप से ये एरो होता है हमारा, फिर उसी तरह ये ऊपर से आ रहा है, तो ये ऐसे, और उसके बाद ये ऐसे डायग्राम होता है। तो क्लियर हो रहा है जी? उसके बाद देखिए, ये वाला हमारा ये जो ट्यूब बोलता है, तो ये क्या है जी, एक्सरे ट्यूब। ये जो हमारा ये नाली टाइप का ये दिख रहा है जी, तो हम लोग इसको हम लोग एक्सरे ट्यूब के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखिए, ये जो अंदर वाला पार्ट है जी, इसको हम लोग एक्स रे बोलते हैं। जैसे देखिए, ये वाला जो पार्ट है जी, ये वाला जो दिख रहा है जी, ये देखिएगा वहाँ पे इससे लाइटिंग वगैरह लाइट निकलता है जी, फोकस निकलता है, जो जहाँ भी जिस शरीर पे रखना हो एक्सरे करने, तो वहाँ पे यूज किया जाता है। तो ये क्लियर हुआ? उसके बाद देखिए, ये वाला जो पार्ट है जी, अब इसको हम लोग शो करेंगे, किसको किस नाम से शो करते हैं जी। तो ध्यान से देखेंगे, ये वाला पार्ट हुआ ऐसे, अब उसके बाद ध्यान से देखिए, उसके बाद ये वाला पार्ट हुआ ऐसे, देन उसके बाद इस पार्ट को ऐसे ऐसे शो करेंगे। तो क्लियर हुआ जी? और उसके बाद इसको हम लोग ऐसे शो कर देंगे। तो ये फाइनली हमारा इतना तक ड्रॉ हुआ। उसके बाद ध्यान से देखिए, उसके बाद ये वाला पार्ट ऐसे शो करेंगे, और उसके बाद इसको हम लोग ऐसे शो कर देंगे। तो हमारा इतना तक हमारा फाइनली रेडी हुआ जी। अब आगे ध्यान से देखिए, ये जो भी है जी, यहाँ से हम लोग इसको सभी को यहाँ से एरो से इस टाइप से हम लोग दिखा देंगे। तो क्लियर हुआ? अब देखिए, इसको इसका नाम क्या है जी, तो यहाँ पर लिख भी दे देंगे इसका। देखिए, ये फिलामेंट, ये क्या जी, फिलामेंट ट्रांसफार्मर होता है जी यहाँ पे, ट्रांसफार्मर, ये फिलामेंट ट्रांसफार्मर हुआ। उसके बाद देखिए, ये जो होता है जी, ये टाइमिंग सर्किट, CIRCUIT, ये टाइमिंग सर्किट के नाम से जानते हैं। उसके बाद ये हो गया जी हमारा हाई, यहाँ पे ये वाला हमारा हुआ जी हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर हुआ। देन उसके बाद यहाँ पे ये जो वाला जो बॉक्स है जी, इसको हम किस नाम से जानते हैं जी, तो यहाँ पे लिख देंगे मल्टीपल, मल्टी टैप एसी ट्रांसफार्मर, एसी ट्रांसफार्मर, यानी मल्टी टैप एसी ट्रांसफार्मर के नाम से इसको जानेंगे। उसके बाद यहाँ से देखिए, इधर से हम लोग ये वाला जो पार्ट है जी, इसको हम लोग ऐसे शो कर देंगे यहाँ पे, ये वाला पार्ट है, और उसके बाद ये वाला पार्ट है, ये वाला हमारा जो है जी यहाँ से, ये अर्थ हमारा। क्लियर हुआ जी? उसका इसको ये ग्राउंड यहाँ पे लिख देंगे, GROUND, तो ये ग्राउंड हुआ। देन ये वाला हमारा यहाँ से एसी लाइन के नाम से इसको जानते हैं, और उसके बाद ये वाला हमारा यहाँ से इनपुट। तो हमारा फाइनली इतना तक हमारा बनके रेडी हो गया। तो ये वाला हमारा एक्सरे किरण बनके 100% बिल्कुल रेडी हो गया। तो ओके फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग, ये क्या पूछा था जी यहाँ पे, इस क्वेश्चन में क्या पूछा था जी, यानी ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ एक्सरे मशीन। तो यहाँ पे हम लोग एक्सरे मशीन का ब्लॉक डायग्राम यहाँ से पूछा गया था, तो हम लोग फाइनली यहाँ से ड्रॉ कर चुके हैं। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं, 13 सितंबर 2021 को सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए जी, जो इलेक्ट्रिशियन हो या वायरमैन के स्टूडेंट हैं जी, उन लोगों का ये एग्जाम में बना के आए होंगे जी, तो उनका आंसर की हम लोग मिला रहे हैं जी। और जो फ्यूचर में एग्जाम देने वाले हैं जी, जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड को है या वायरमैन के स्टूडेंट्स जी, तो उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो CITS भी कर रहे हैं, या जो पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा में फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं, तो उनका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है जी। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन का सोल्यूशन करा दिया जा रहा है जी यहाँ पे। तो प्रॉपर देखिए यहाँ पे, और देखिए जो एग्जाम का ये सोल्यूशन नहीं देखे हैं जी, बाकी क्वेश्चन एक, ये दो का ABC, ये तीन का A, तो जो नहीं देखे, जो वहाँ मेरे चैनल पे विजिट कीजिए, वहाँ पे प्लेलिस्ट से ये सबका प्रॉपर क्वेश्चन वहाँ से देख लीजिए। हम अभी यहाँ पे देखेंगे जी क्वेश्चन नंबर 3 का B है जी, ड्रॉ दी ब्लॉक डायग्राम ऑफ एलिवेटर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में 4 ऑप्शन था, और था जी हमारा कितना जी, 15 नंबर का। तो ये चारों में से कोई एक ही क्वेश्चन आप लोगों को सोल्यूशन करना था। तो इसमें से बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बाकी कुछ ना कुछ गलत या सही तो जरूर बनाए होंगे, तो अपना आंसर की भी मिला लेंगे, या जो नहीं बनाए तो कहाँ मिस किए हैं। तो देखिए कोई भाष इसमें फिगर नहीं है जी, तो इसको हम लोग सीखेंगे कैसे ड्रॉ करेंगे। तो ये एलिवेटर का ये सिंबल बनाएंगे, सॉरी एलिवेटर का हम लोग ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन लिख दे रहे हैं जी, ये 3 का ये क्वेश्चन B है जी, क्वेश्चन नंबर 3 का B है। तो ये एलिवेटर का फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे ब्लॉक डायग्राम, तो उसको ध्यान से देखेंगे और सीखेंगे जी स्टेप बाय स्टेप कैसे ड्रॉ किया जाता है जी। इन ना कि हम बता दें और आप सिर्फ
देख कर और ऐसे वीडियो को रख दीजिए जी। बता रहे हैं तो इसका मतलब आप लोग भी अपने से कोशिश कीजिए कैसे बनता है जी। और जिनको जो भी प्रॉब्लम हो रहा है जी, वो हमसे कमेंट करेंगे और पूछेंगे कि हाँ सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो उनका प्रॉपर सॉल्यूशन बताया जाएगा जी। तो ये वाला हमारा ऐसे हुआ जी, दो दो रेक्टेंगुलर आकृति बना चुके हैं। उसके बाद एक है, एक बड़ा सर्किल हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और इस तरह का हम लोग आकृति हम लोग यहाँ से ड्रॉ करेंगे और उसके बाद ये वाला ऐसे आकृति हम लोग बनाएंगे। तो क्लियर हुआ जी। अब उसके बाद ध्यान से देखेंगे, उसके बाद ये वाला आकृति हम लोग यहाँ से बनाएंगे। क्लियर हुआ जी। अब देखिए इस सभी का हम लोग कनेक्शन देखेंगे कैसे किया जाता है जी कनेक्शन। तो प्रॉपर ध्यान से देखिएगा जी, काफ़ी आसान तरीका से आप लोगों को बताएंगे कैसे कनेक्शन किया जाता है जी। तो इस टाइप से हो गया और उसके बाद ये वाला पार्ट ऐसे कनेक्शन करेंगे जी। क्लियर हुआ। उसके बाद आगे ध्यान से देखिए, ये वाला ये आकृति हुआ जी और उसके बाद ध्यान से देखिए ये वाला हुआ और उसके बाद ये पार्ट हुआ और उसके बाद ये पार्ट हुआ। तो उसके बाद देखिए यहाँ से इसको हम लोग आगे की तरफ ये ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, ये ऐसे इसको एरो को ऐसे ऐसे शो कर देंगे जी। अब इतना ऐसे ऐसे शो कर देंगे। क्लियर हुआ जी। तो ये वाला हमारा ये डीसी हुआ जी। अभी देखिए इसको सबको हम प्रॉपर नामांकित भी करेंगे जी। तो यहाँ से देखेंगे कैसे हम लोग प्रॉपर सबको नामांकित करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से ध्यान से देखिए, ये वाला पार्ट हुआ और उसके बाद ये वाला भी पार्ट हुआ। इसको ये अप और ये वाला हमारा डाउन। क्लियर हुआ जी। ये वाला हमारा डूर मैकानिज्म के नाम से इसको जानते हैं जी। ऐसे हुआ। अब यहाँ से देखिए, ये है जी FS1 और FS2 के नाम से ये वाला पॉइंट को हम लोग जानते हैं जी। क्लियर हुआ। अब उसके बाद देखिए, ये वाला हमारा N1 और ये वाला हमारा N2 के नाम से जानेंगे। तो क्लियर हुआ जी इतना। देन उसके बाद इतना फाइनल होने के बाद यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ से इसको हम लोग ऐसे शो करेंगे और उसके बाद इसको ऐसे शो करने के बाद यहाँ से इसको ऐसे नीचे की तरफ लाएंगे और देन उसके बाद ऐसे शो कर देंगे। तो क्लियर हुआ जी। तो यहाँ से देखिए, ये ऐसे फ्लो होगा जी, देन उसके बाद ये ऐसे और उसके बाद ये वाला जाके ऐसे। देखिएगा यहाँ से इधर से ये कनेक्शन इधर से निकाला गया और जाके इधर जोड़ दिया गया जी इसको। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, अब यहाँ से भी हम लोग ऐसे इसको शो करेंगे यहाँ से। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, तो ये ऐसे शो इसको, तो यहाँ से इसको ऐसे हम लोग शो कर देंगे। अब इसको नीचे से आगे की तरफ यहाँ पे लाएंगे और उसके बाद यहाँ से ऐसे शो कर देंगे यहाँ से। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये फाइनल हमारा इतना तक ये ऐसे हम इसको शो करेंगे। तो क्लियर हुआ जी। देखिए ये वाला हमारा R1 के नाम से जानते हैं और ये वाला हमारा R2 यानी रेजिस्टेंस फर्स्ट और रेजिस्टेंस सेकेंड के नाम से इसको जानते हैं जी। क्लियर हुआ। अब इसको देखिए, ये वाला हमारा कंट्रोल सर्किट CIRCUIT कंट्रोल सर्किट के नाम से इसको जानते हैं। उसके बाद देखिए ये स्टोरेज सर्किट CIRCUIT स्टोरेज सर्किट, ये भी हमारा क्या है जी, स्टोरेज सर्किट के नाम से जानते हैं CIRCUIT। तो ये वाला हमारा इतना तक हमारा ये क्लियर हुआ जी। अब उसके बाद आगे ध्यान से देखेंगे, जब इतना क्लियर हो गया अब उसके बाद ध्यान से देखिए, इस पार्ट को ऐसे हम लोग ऐसे शो करेंगे। तो ये वाला हमारा ये वाला और उसके बाद इसको ऐसे शो करेंगे। देखिए ये हमारा FB1 और ये वाला हमारा FB2, ये वाला हमारा Call1 और ये वाला हमारा Call2 के नाम से जानते हैं। तो ये वाला हमारा फाइनली क्या हुआ जी, ये एलिवेटर का डायग्राम 100% बन के रेडी हो चुका। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं जी, 13 सितंबर 2021 को यह एग्जाम में इलेक्ट्रीशियन हो या वायरमैन के स्टूडेंट्स हैं जी जो एग्ज़ाम दिए हुए हैं जी, उनका सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम था 13 सितंबर को। तो उन लोगों का ये क्वेश्चन है जी, जो सेकेंड ईयर वालों का ये क्वेश्चन है जी, ये ना कि फर्स्ट ईयर वालों के लिए है जी, ये स्पेशल सेकेंड ईयर वालों का है जी। तो उन लोग के एग्जाम में जो पूछा था क्वेश्चन, उसी का हम लोग प्रॉपर सॉल्यूशन यहाँ पे बना रहे हैं जी। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखिएगा कैसे इसका सॉल्यूशन बनाएं जी। ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 का ABCDC, 2 का फिर 3 का A और B, ये सभी का हम क्या है जी सॉल्यूशन बता चुके हैं। अगर ये सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाइए, प्ले लिस्ट में वहाँ पर बना के डाला गया है जी, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं और सीख भी सकते हैं जी कैसे ड्रॉ करते हैं। हम लोग अभी फिलहाल बनाएंगे जी, ये क्वेश्चन नंबर 3 का A B बना चुके हैं, 3 का C बनाएंगे। तो ड्रॉ दी ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम,
यानी कंप्यूटर सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम कैसा होता है जी, उसको हम लोग सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है जी, और उसका हमारा सी है जी। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं जी, CompuTER, कंप्यूटर, SYSTEM, कंप्यूटर सिस्टम। तो यहाँ पे देख लीजिएगा थोड़ा सा ये, तो ये कंप्यूटर सिस्टम का हम लोग ब्लॉक डायग्राम हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे जी, और कैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखिएगा कैसे हम लोग इसको प्रॉपर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये वाला फिगर हम लोग यहाँ से देखिए, ये वाला पार्ट है, और उसके बाद ये वाला हम लोग देखिए यहाँ से, ये टोटल ये वाला पार्ट है, ये सबको यहाँ से हम लोग ड्रॉ ऐसे कर देंगे जी। क्लियर हुआ जी? सेम पोजीशन, सेम प्रोसेस, नीचे भी ऐसा ही एक डायग्राम यहाँ पे हम लोग बनाएंगे जी। और बिल्कुल आसान तरीका से देखिएगा कैसे बनता है। देखिए यही क्वेश्चन आप लोगों को 15 नंबर में था जी, यही क्वेश्चन बहुत से हमारे ऐसे दोस्त हैं जो नहीं बनाए हैं जी, तो जो नहीं बनाए हैं तो अपना देख लेंगे कि वो कहाँ मिस किए हैं, या जो अभी जो नए स्टूडेंट हैं जो जाने वाले हैं जी, तो उन लोगों के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी, क्योंकि ऐसा हो रहा है जी आईटीआई में सेम टू सेम क्वेश्चन जो बैक ईयर में जो भी पूछा गया जी उसी क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा है जी आईटीआई में। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों को बता दिया जा रहा है कि हाँ कि आप लोग यहाँ से सीख सकते हैं जी, और देख भी सकते हैं बना के कि वो कैसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा कि हाँ कैसे ड्रॉ किया जाता है जी। तो ये वाला हमारा इतना तक फाइनली ड्रॉ हो चुका जी, और उसके बाद यहाँ से ध्यान से देखिए ये है, और उसके बाद ये वाला पार्ट है जी, यहाँ से इसको सो ऐसे कर देते हैं। तो क्लियर हुआ जी? तो ये वाला हमारा फाइनली इतना तक ये ब्लॉक बना, उसके बाद ध्यान से देखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा एक इस टाइप का ब्लॉक यहाँ पे बनाते हैं जी। तो यहाँ पे भी हम लोग ब्लॉक बना लिए, देखिए थोड़ा सा ये मेरा क्या हो गया, ये थोड़ा सा बड़ा ब्लॉक हो गया जी, तो इसको हल्का सा ही हल्का छोटा ही ब्लॉक बनाएंगे। तो क्लियर हुआ जी? तो यहाँ से हम लोग इसको ब्लॉक बना लेंगे इस टाइप से। तो क्लियर हुआ जी? अब देखिए फिर यही ईसा ही सेम टू सेम इधर भी हम लोग एक ब्लॉक ऐसे ड्रॉ करते हैं जी। तो क्लियर हुआ जी? तो इस टाइप से हम लोग ब्लॉक बना लेंगे, और उसके बाद इसको हम लोग ऐसे शो कर देंगे। क्लियर हुआ जी? अभी देखेंगे सबको, नामांकित हम लोग करेंगे, तो नामांकित कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे जी, तो प्रॉपर नामांकित कैसे करते हैं जी। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो ये वाला प्रॉपर देखिएगा, ये वाला हमारा फाइनली इतना हुआ। अब उसके बाद देखिए ये आउट आउटपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट हुआ, ये वाला हमारा इनपुट इनपुट यूनिट के नाम से जानते हैं। उसके बाद ये वाला हमारा इधर से डाटा हुआ जी, और उसके बाद यहाँ से देखिए ये, उसके बाद अंदर जो रहता है जी, ये वाला हमारा सेकेंडरी SECONDRY सेकेंडरी स्टोरेज STORAGE सेकेंडरी स्टोरेज, ये वाला हमारा प्राइमरी स्टोरेज के नाम से इसको जानते। क्लियर हुआ जी? और उसके बाद हमारा ये कंट्रोल यूनिट के नाम से जानते हैं, तो ये CU के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखिए ये ARI अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के नाम से जानते हैं, इसको ALU को, ये शॉर्ट नेम हो गया जी ALU भी। क्लियर हुआ? ये वाला जो एरोज दे रहा है जी, ये वाला हमारा क्या बोला जाता है जी, इन्फॉर्मेशन, ये वाला हमारा क्या देता है जी, इधर से इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये वाला हमारा फाइनली इतना तक क्लियर हुआ जी। तो ये डायग्राम हमारा फाइनली बन के रेडी हो गया जी। अब आगे ध्यान से देखिए, उसके बाद ध्यान से देखिए ये वाला जो सिंबल है जी इस टाइप से, तो ये वाला क्या करता है जी, ये हमारा डाटा फ्लो को रोकता है, उसके बाद डाटा फ्लो को दिखाता है। उसके बाद ये वाला जो एरो है जी, ये वाला हमारा क्या है जी, ये वाला जो, तो ये कंट्रोल फ्लो के नाम से जानते हैं जी। तो क्लियर हुआ जी? तो ये वाला हमारा डाटा फ्लो, ये हमारा कंट्रोल फ्लो के नाम से जानते हैं। उसके बाद आगे ये वाला जो पार्ट है, तो इसको हम लोग किस नाम से, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU के नाम से इसको जानते हैं। उसके बाद ये वाला हमारा ऊपर वाला पार्ट है, ये स्टोरेज है, ये क्या है जी, स्टोरेज यूनिट है।
तो ये वाला हमारा क्या हो जाए, फाइनली 100% हमारा फिगर ये बन के रेडी हो गया जी। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं जी, 13 सितंबर 2021 को इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन के स्टूडेंट जो होंगे जी, उन लोग का सेकंड ईयर में यही क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा गया था जी। यही क्वेश्चन तो उसी का हम लोग प्रॉपर सॉल्यूशन देख रहे हैं जी, बना रहे हैं। तो बाकी जो वीडियो इसमें का क्वेश्चन नहीं था जी, जो नहीं देखे होंगे वो जाके मेरे प्ले लिस्ट से वहाँ से देख सकते हैं और सीख सकते हैं कैसे बनाया जाता है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का ये डी हम लोग सॉल्व करेंगे, ड्रॉ दी ब्लॉक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक एनालाइजर, यानी इसका हम लोग डायग्राम हम लोग शो करेंगे कैसे शो किया जाता है। इसका हम लोग डायग्राम बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा यहाँ पे कैसे बनाया जाता है। तो ये सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन नंबर ये 3 हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं जी, क्वेश्चन नंबर 3 का ये कौन सा है जी, ये डी है जी। क्वेश्चन नंबर 3 का ये डी है जी। तो ये इलेक्ट्रो, इसको इलेक्ट्रोलाइटिक, LYTIC इलेक्ट्रोलाइटिक एनालाइजर, इलेक्ट्रोलाइटिक एनालाइजर का हम लोग डायग्राम हम लोग शो करेंगे। तो अभी देखेंगे जी कैसे हम लोग इसको बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप, तो यहाँ से देखेंगे भी और सीखेंगे भी कैसे शो करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखिएगा कैसे स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे जी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक ये सर्किल यहाँ पे एक छोटा सा और देन एक और सर्किल यहाँ पे, उसके बाद ये भी सर्किल है और उसके बाद हमारा ये सर्किल यहाँ पे, इतना हम लोग सर्किल ड्रॉ करेंगे। उसके बाद आगे ध्यान से देखिए, इतना सर्किल बनाने के बाद यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ से इतना बनाने के बाद अब यहाँ से देखिए, ये वाला पार्ट यहाँ से ये ड्रॉ कीजिए, उसके बाद ये, उसके बाद ये और उसके बाद ये, क्लियर हुआ जी। अब इतना से ये शो कर देंगे ऐसे, और उसके बाद ये वाला शो कर दीजिए, क्लियर हुआ जी। अब उसके बाद इसको ऐसे और इसको ऐसे हम लोग शो कर देंगे, तो क्लियर हुआ जी। इस तरह का हम लोग 4 बॉक्स ऐसे बना लिए, उसके बाद नॉर्मली एक जनरली एक इससे बड़ा एक बॉक्स यहाँ पे हम लोग शो करेंगे, तो ऐसे हम लोग शो कर देंगे जी। तो क्लियर हुआ जी, तो इस टाइप से हम लोग शो कर देंगे। अब उसके बाद शो करने के बाद यहाँ से ध्यान से देखिए, ऐसे हम लोग इस तरह से हम लोग इसको दिखा देंगे। अब आगे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये वाला पार्ट हुआ, उसके बाद देखिए ये ऐसे, और उसके बाद इसको हम लोग ऐसे शो कर देंगे, क्लियर हुआ जी। अब उसके बाद देखिए ये वाला भी पार्ट, और उसके बाद ये वाला पार्ट ऐसे हम लोग इसको यहाँ तक शो कर देंगे, तो क्लियर हुआ जी। इतना शो करने के बाद अब आगे ध्यान से देखिए, ये वाला पार्ट यहाँ से, और उसके बाद ये वाला ऐसे हम लोग ऐसे शो कर देंगे, क्लियर हुआ जी। अब इतना फाइनल होने के बाद अब यहाँ से देखिए, ये वाला हम यहाँ से ये ऐसे हम इसको शो कर दें, क्लियर हुआ जी। तो इस टाइप से हम लोग क्लियर हुआ। अब उसके देखिए यहाँ पे नामांकित भी साथ में करते चल रहे हैं, यहाँ पे Na प्लस है, उसके बाद यहाँ पे एनी इलेक्ट्रोलाइट, एनी इलेक्ट्रो लाइट के नाम से जानेंगे, यहाँ से REFE रेफरेंस, उसके बाद अब आगे ध्यान से देखेंगे। इतना क्लियर होने के बाद अब ये वाला जो बॉक्स है जी, इसको हम मल्टीप्लेक्सर के नाम से जानते हैं जी, तो मल्टीप्लेक्सर के नाम से ऐसे जानेंगे। अब उसके बाद यहाँ से देखिए, इस टाइप से हम लोग ऐसे एरो यहाँ से शो करेंगे, और उसके बाद शो करने के बाद यहाँ से ये वाला पार्ट हुआ जी। अब उसके बाद AID एड, यानी फर्स्ट के ऐसे शो कीजिए, देन उसके बाद ये वाला ब्लॉक ऐसे शो करेंगे। देखिए एग्जाम में आप लोगों को कितना नंबर का था जी, 15 नंबर में था जी, लेकिन यही क्वेश्चन बहुत से हमारे ऐसे दोस्त हैं जो नहीं बना पाए जी, तो वो देखेंगे कैसे बन रहा है जी यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, तो ये वाला हुआ जी। उसके बाद देखिए ये माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, ये माइक्रो प्रोसेसर है, देन उसके बाद ये भी एरो यहाँ से इस टाइप से शो होगा जी। तो ये वाला हमारा इस टाइप से यहाँ पे एक छोटा सा, तो ये वाला हमारा होगा जी, तो ये वाला हमारा मोटर ड्राइव, इसको हम मोटर ड्राइव DRIVE ड्राइव्स के नाम से ये इसको जानते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से ऐसे शो करके यहाँ पे भी एक और इस टाइप का हम लोग ब्लॉक बनाएंगे, ये वाला हमारा DC मोटर के नाम से जानते हैं। तो फाइनली हमारा इतना तक ब्लॉक बना, उसके बाद नीचे भी देखेंगे एक और ब्लॉक बनाएंगे जी, एक नीचे भी एक और ब्लॉक ऐसे बॉक्स बनाइए, रेक्टेंगुलर बॉक्स, देन बॉक्स बनाने के बाद इसको हम यहाँ से हम इसको ऐसे शो कर देंगे जी। देखिए ये वाला हमारा शो होगा, इसका नाम क्या है जी, तो यहाँ पे परिस यहाँ पे लिख देना है जी, थोड़ा सा ये तिरछा लिख रहा है जी यहाँ पे, मेरा नहीं अट रहा है, तो देखिए पर्स पेरिस्टलेटिक पंप के नाम से ये जानते हैं इसको, तो ये वाला हमारा यहाँ से ऐसे शो कर देंगे, तो ये वाला पार्ट हमारा यहाँ शो हो गया। उसके बाद ध्यान से देखेंगे, उसके बाद नीचे की तरफ यहाँ से ये हुआ, और उसके बाद ये नीचे, और यहाँ से ऐसे नीचे जो आया जी ऐसे यहाँ पे हम लोग, तो ये वाला हमारा LCD के नाम से जानते हैं, तो और उसके बाद यहाँ से ध्यान से देखिए ये वाला जो ब्लॉक है जी, ये AID Add 2 है जी, क्लियर हुआ जी।
तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ से ऐसे जाइए और देन यहाँ से जाने के बाद यहाँ से इसको ऐसे यहाँ से ऐसे शो करेंगे, तो क्लियर हुआ। आप नीचे ध्यान से देखिए, यहाँ से एरो से इसको नीचे की तरफ एक बड़ा सा ब्लॉक के अंतर्गत इसको शो करेंगे, तो यहाँ पे BUBBLE बबल डिटेक्टर के नाम से इसको जानते हैं जी, बबल डिटेक्टर के नाम से हम जानते हैं। तो ये वाला फाइनली क्या हुआ जी, हमारा ड्राइंग बन के रेडी हो गया। यह क्वेश्चन देख रहे हैं जी, ये 13 सितंबर 2021 को या इलेक्ट्रीशियन हो या वायरमैन हो जी, जो एग्ज़ाम दिए हैं जी उन लोगों का ये पेपर सॉल्यूशन है। हम यहाँ पे अभी स्टेप बाय स्टेप सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग सीख रहे हैं जी, कैसे बनाते हैं। तो जो वीडियो ये नहीं देखे हुए वो जाके प्लेलिस्ट से ये देख सकते हैं। ये क्वेश्चन ये सभी बता दिए जी, एक का ये 5 ऑप्शन है, 2 का ये BC, उसके 3 का ये BCD, ये सभी क्वेश्चन का यहाँ पे जो भी मार्किंग कर चुके हैं जी, ये सभी क्वेश्चन का हम लोग 100% सॉल्यूशन बना चुके हैं। अभी हम लोग इस वीडियो में हम अभी देखेंगे, इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे ये क्वेश्चन नंबर 4 है जी, 4 का ये देखेंगे, 4 का ये क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड वायर गेज। तो थोड़ा सा पेज को और ऊपर थोड़ा सा ले ले रहे हैं जी, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम तो लिख दे रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर ये क्या, देखिए थोड़ा सा पेज को हम और नीचे ले रहे हैं जी। देखिए जिसको नहीं दिखाई दे रहा है जी, वो मैसेज करेंगे या कुछ बोलेंगे जी उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 4, 4 का ए है जी, ए ऑप्शन दिया है, ए में क्या दिया है जी, स्टैंडर्ड वायर गेज के बारे में, ये कैसा होता है जी, तो इसका हम लोग फिगर बनाएंगे, स्टैंडर्ड वायर GAUGE, स्टैंडर्ड वायर गेज का फिगर हम लोग बनाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया, ड्रॉ द फ्री हैंड स्केच ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, यानी इसमें से आपको 5 ऑप्शन था, इसमें से कोई भी आपको 2 फिगर ड्रॉ करना था एग्जाम में, लेकिन आप लोग को हम यहाँ पे बता रहे हैं तो प्रॉपर सभी का सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कैसे बताएंगे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग वायर गेज का बनाना है, तो वायर गेज के लिए सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, कंपास की इसमें आवश्यकता होगी जी। तो सबसे पहले एक छोटा सा हम लोग सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं जी, क्लियर हुआ। उसके बाद एक बड़ा सर्किल देखिए, जो पतली पेंसिल चलती हो जी हमारा, उसकी सहायता से एक यहाँ पे ये सर्किल ड्रॉ कर लिए, क्लियर हो गया जी। अब इतना करने के बाद अब आगे ध्यान से देखेंगे, अब हमारा ये कंपास का कंपास का कार्य समाप्त हुआ। और देखिए ये जो लाइन है जी, इसको देखिए, इसको हम लोग डार्क कर देंगे जी HB पेंसिल से। और डार्क करने के बाद देखिए, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, देखिए इस टाइप का हम लोग बना दिए। उसके बाद ध्यान से देखिए, अब इधर यहाँ पे प्रॉपर ध्यान से देखेंगे, ये जो भी लाइन है जी सबको हम ऐसे डार्क यहाँ पे करेंगे, कुछ गैप छोड़ छोड़ कर जी, समझ में आ रहा है जी। तो इस टाइप से ये जो भी हल्की लाइन से हम लोग ड्रॉ किया है जी, तो ये सभी पे ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो ये ऐसे हमारा ड्रॉ हो रहा है जी। तो ध्यान से देखिएगा, ये वाला पार्ट, फिर यहाँ से ये हुआ, उसके बाद ये वाला लाइन हुआ, और उसके बाद ये लाइन, ये जितना भी गैप छोड़ना है उसका काम है जी, क्यों छोड़े हुए हैं तो अभी आप लोगों को बताएंगे। देखिए यहाँ पे ये किसका फिगर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं जी, तो वायर गेज का फिगर हम लोग तो ड्रॉ कर रहे हैं जी। तो इसको ध्यान में देख के ये देखिए, ये जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, ये छोटी सी आकृति क्या होता जाएगा जी, छोटा छोटा आकृति होता जाएगा जी। वायर गेज जिस तरह होता है सेम टू सेम ऐसा ही फिगर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं जी। अब ध्यान से देखिए, अब इतना तो हो गया हमारा, अब देखिए इस पर ये जो भी हमारा पार्ट है जी, ये बीच में छूटा हुआ है, ये जो छोड़े हुए हैं उसको अगर ज़्यादा डार्क आप लोग पेंसिल का से यूज कर दिए तो इसको क्या करेंगे, हल्का सा वो यदि कर देंगे। अब ध्यान से देखेंगे, अब इसको ऐसे अंदर की तरफ फिर हम लोग यहाँ से ये ऐसे इस तरह, यानी ये प्रॉपर क्या होना चाहिए जी, बराबर होना चाहिए। उसके बाद ध्यान से देखिए, ये ऐसे और ये ऐसे, क्लियर हुआ जी इस टाइप से। सॉरी यहाँ पे देखिए मेरा गलती हो रहा है जी, देखिएगा यहाँ पे इस टाइप से हम लोग ये चारों तरफ ये इस टाइप से हम लोग ब्लॉक बनाएंगे, इसी तरह सेम कंडीशन सभी को जी, जैसे दिया है इस तरह, ये इस तरह करके ये सभी राउंड बाई राउंड हम लोग दिखाएंगे। इस तरह से हमारा बिल्कुल लगभग बन गया जी, ये वायर गेज का लगभग ऐसा ही सेम टू सेम आकृति होता है। उसके बाद ध्यान से देखेंगे, ये यहाँ से हम लोग इसको नामांकित कर, ये 0 हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी, ये 0 से लेके, यानी ये सब क्या है जी, ये जितना ये खाँचा है जी वायर को क्या किया जाता है, इसका कुर इसमें लगाया जाता है, जिसमें जो एडजस्ट हो जाए तो उसे माना जाता है इतना गेज का ये वायर है जी, यानी इसकी मोटाई इसके थ्रू वायर गेज के थ्रू मापी जाती है। तो यही आप लोगों को फिगर बनाने का आया था जी, सेम टू सेम सिर्फ इतना फिगर आप लोग जो ड्रॉ किए होंगे उनका 5 में 5 नंबर कंप्लीट है, और जो इतना नहीं किए होंगे तो उनका मानिए कि आज ही गलत है जी। ये सेकेंड ईयर वाले इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन के जो स्टूडेंट है जी, वो सेकेंड ईयर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि हो सके सेकेंड ईयर में ये पूछा जा सकता है जी। तो ओके जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं जी, यह 13 सितंबर 2021 को यह एग्जाम में पूछा गया था जी। इलेक्ट्रिशियन हो या वायरमैन के जो स्टूडेंट है जी, तुम लोग को ये सेकेंड ईयर में ये पूछा गया था जी। अभी जस्ट जो एग्जाम अभी बीता हुआ है जी, उसी में पूछा गया था। इसका हम लोग प्रॉपर सॉल्यूशन देखेंगे, जो एग्जाम दे चुके हैं वो अपना आंसर की मिला लेंगे या जो एग्जाम देने वाले हैं जी। तो हो सके आईटी में ऐसा हो रहा है जी, सेम टू सेम क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों को, इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, ये सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रॉपर जो अभी जाने वाले हैं जी सेकंड ईयर में स्टूडेंट्स, उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग देखेंगे। ये देखिए जी, ये सभी क्वेश्चन का जो भी मार्किंग कर चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, ये सभी क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन बता दिया गया है जी। अगर जो वीडियो नहीं देखे तो वहाँ से जाइए चैनल पर, प्लेलिस्ट से इसका वीडियो वॉच कर सकते हैं। अभी अभी हम लोग 4 का सॉल्यूशन कर रहे थे, 4 का ए पिछले क्लास में उन्होंने सेव किया। अभी इस समय हम पीएच मीटर का ये फिगर कैसा होता है जी, तो इसके बारे में हम लोग सीखेंगे जी, पीएच मीटर किस टाइप का होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग लिख ले रहे हैं जी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का ये बी सॉल्यूशन है, ये बी आंसर है। तो यहाँ पे पीएच मीटर, तो हमारा ये क्या बना रहा है जी, पीएच मीटर। जैसे बैटरी वगैरह है ना जी, तो बैटरी में वो नापा जाता है ना, तो इसी को पीएच मीटर, जिस मीटर से नापा जाता है उसी को पीएच मीटर कहते हैं जी। तो उसका हम लोग देखेंगे वो किस टाइप का होता है। देखिए हर विभाग का अलग अलग आता है जी पीएच मीटर। जैसे हम लोग टेक्निकल लाइन से हैं, तो टेक्निकल लाइन में कैसा पीएच मीटर यूज किया जाता है इसको प्रॉपर ध्यान से देखेंगे जी, और सीखेंगे कैसे बनाते हैं जी। आप लोग इसमें कमेंट कीजिएगा, तो हो सके इसका प्रॉपर वीडियो भी आप लोग को ये पूरा विस्तार रूप से इसके बारे में बता देंगे, हाँ इसका काम कहाँ पर किया जाता है और कैसे किया जाता है। अभी फिलहाल में ये देखिएगा, ये पीएच मीटर का डायग्राम किस टाइप से होता है। तो देखिएगा, ये देखिए, ये देखिए थोड़ा सा क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो इसको ध्यान में रखते हुए तो यहाँ से हम लोग देखिए ये वाला पार्ट है, इसको इस टाइप से हम लोग ये बना देंगे। क्लियर हो रहा है जी? तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, और उसके बाद ये थोड़ा सा है ना यहाँ पे मूवेबल पॉइंट है जी, क्या है जी, थोड़ा सा ये टेपर में है, तो इसको हम लोग यहाँ पे प्रॉपर बना लेंगे जी, इस टाइप से टेपर से है। क्लियर हुआ जी? लगभग देखिए ये थोड़ा सा ज़्यादा गोला नहीं है जी, तो अभी देखेंगे इतना। अब उसके बाद ध्यान से देखिए, अब इस पॉइंट को ये ऐसे यहाँ पे मिलाएंगे। क्लियर हुआ जी? फाइनली ये इतना था। अब उसके बाद यहाँ से देखेंगे, अब ये फाइनल होने के बाद यहाँ से ये प्रॉपर ऐसे पार्ट बनेगा, देन ये वाला पार्ट ऐसे शो होगा। क्लियर हो रहा है जी? अब इतना फाइनल होने के बाद आप देखिए, अब इतना, अब ये वाला जो लाइन है जी, ये वाला, इसको थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा बेस्ट दिखने के लिए ये थोड़ा सा डार्क इसको कर देते हैं जी, थोड़ा सा फिगर क्या हो एट्रेक्टिव दिखे। तो थोड़ा सा ये डार्क करने से क्या है, थोड़ा सा मेरा इधर उधर फोल्डिंग हुआ है, एक्स्ट्रा लाइन एज आ गया है जी लाइन का, तो वो भी हमारा क्या हो जाता है जी, कवर इसमें हो जाता है जी। तो ये वाला हमारा, अब उसके बाद देखिए, अब यहाँ से देखिए ये वाला पार्ट है, ये इस टाइप से हम लोग इसको शो कर देंगे। तो हमारा ये फाइनली इतना तक क्लियर हुआ जी। अब आगे ध्यान से देखिए, अब इतना हमारा फाइनल हुआ। अब उसके बाद ध्यान से देखेंगे इसको, ये हल्का सा आगे की तरफ ये लाइन ऐसे बढ़ाएंगे इतना तक, और इतना तक बढ़ाने के बाद अब आगे ध्यान से देखिए, इतना तक थोड़ा सा क्या हो रहा है जी, इतना तक बढ़ाने के बाद अब आगे ध्यान से देखिए, अब ये वाला जो लाइन है जी, इसको हल्का सा ये ऐसे लाएंगे, और उसके बाद ये वाला पार्ट है जी, वो इसको हल्का सा ऐसे ले जाएंगे। क्लियर हो रहा है जी? देखिए ये मेरा, तो ये वाला हमारा देखिएगा, ये वाला पार्ट ऐसे हुआ, देन इसको देखिए आगे की तरफ यहाँ से बढ़ाते हुए यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम लोग ये नीचे की तरफ हम लोग ऐसे लाएंगे। क्लियर हुआ जी? देन इतना लाने के बाद अब यहाँ से ध्यान से देखिए, ये पार्ट ऐसे शो करेंगे, और उसके बाद ये पार्ट ऐसे शो करेंगे। तो क्लियर हुआ जी? तो इतना ये पार्ट ऐसे शो हुआ। अब आगे ध्यान से देखिए, इतना फाइनल होने के बाद अब यहाँ से हम लोग एक, यहाँ से एक छोटा सा ये पार्ट ऐसे बनाते हैं जी। तो इस पार्ट का ये क्या है जी हमारा, ये फाइनली स्केल बन के रेडी हो रहा है हमारा। ये क्या है जी, ये पीएच जो अंदर स्केल टाइप का होता है जी, उसको हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं जी। तो उसको ध्यान से देखिए कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे इसको ये प्रॉपर ऐसे शो करते हैं। क्लियर हुआ जी? तो ये वाला हमारा फाइनली इतना तक शो हुआ। अब आगे ध्यान से देखिए, ये वाला पार्ट ऐसे थोड़ा सा डार्क इसको कर देंगे। देखिए आसान है, काफ़ी आसान है जी, इसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जी। अब इसको देखिए, ये वाला अंदर इसमें लिक्विड रहता है जी, देन ये वाला देखिए यहाँ पे ये है जी, यहाँ पे एक स्केल क्या होता है जी, स्केल बना होता है जी, यहाँ पे अंदर की तरफ स्केल बना होता है जी। तो ये वाला हमारा फाइनली ये हुआ। अब उसके बाद इसको देखिए नामांकित भी कर दे रहा है जी। तो ये वाला जो पार्ट है जी, इसको क्या कहते हैं जी, लीड बॉल्स के नाम से जानते हैं इसको। उसके बाद यहाँ से ये वाला जो पार्ट है जी, इसको हम किस नाम से जानते हैं जी, तो पॉलीग्लास ट्यूब के नाम से इसको जानते हैं जी। उसके बाद यहाँ से ध्यान से देखिए, ये वाला पॉलीग्लास ट्यूब के नाम से जानते हैं। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है जी, इसको हम लोग क्या रबर कॉर के नाम से जानते हैं, रबर
कॉर्क के नाम से जानते हैं। तो ये फाइनली हमारा क्या हुआ जी, अब उसके बाद ये वाला जो पार्ट है जी, इसको हम लोग एसिड प्रूफ रबड़ बल्ब, एसिड प्रूफ रबड़ बल्ब के नाम से इसको जानते हैं। तो ये वाला हमारा फाइनली क्या हुआ जी, ये पीएच मीटर बनके रेडी हो चुका है। तो यहाँ से आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या देखिए हम दूसरा तरीका से एक और बनाए हुए हैं जी यहाँ पे, तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। देखिए वही सेम आकृति हम यहाँ पे भी बनाए हुए हैं, तो इन दोनों में से जो आपको अच्छा बेटर लगे, दोनों हम ही बनाए हुए हैं जी। तो देखिए ये थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है जी, ये थोड़ा सा सही से बना है, ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, फ्री हैंड स्केचिंग बनाना है तो उसमें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है जी। तो आप दोनों यहाँ से प्रॉपर आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं, बना सकते हैं। तो ओके, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं जी, 13 सितंबर 2021 को यह एग्जाम में पूछा गया था जी, तो इसका प्रॉपर हम लोग आंसर की देख रहे हैं जी, कैसे बनाकर आए थे जी। तो जो पुराने स्टूडेंट है वो अपने आंसर की मिलाएंगे, या जो नए स्टूडेंट्स है तो अपना बनाने के लिए सीखेंगे, हो सके आप लोग के एग्जाम में फ्यूचर में ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो इसको ध्यान में रखते हुए, ऐसा भी हो रहा है IIT में कि सेम क्वेश्चन को क्या है, एक साल पहले जो एग्जाम में पूछा गया था वही क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर दिया जा रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए फर्स्ट ईयर में ऐसा हुआ है, लेकिन सेकंड ईयर में तो अभी देखने को मिला है फ्यूचर वाले स्टूडेंट को कि क्वेश्चन को दो बार तीन बार पूछ दिया जी सेम टू सेम। तो जो प्रैक्टिस किए रहिएगा तो आप लोगों को फायदा रहेगा जी आगे चल के। तो अभी हम लोग प्रॉपर देखेंगे ये सबका हम लोग सॉल्यूशन बना चुके हैं। अगर जो वीडियो नहीं देखे तो जाइए मेरे चैनल पे और प्लेलिस्ट से वहाँ से वाच कीजिए और देखिए कैसे बनता है। तो ये सबका प्रॉपर वीडियो आप लोग को मिल जाएगा जी, ITI इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम से होगा। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का, सी LVDT का डायग्राम कैसे होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का ये हमारा सी हम लोग सॉल्यूशन बना रहे हैं जी यहाँ पे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 4 का सी ये क्या है जी, LVDT का ये डायग्राम हम लोग बनाएंगे किस तरह का होता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो सबसे पहले तो हम लोग एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करते हैं जी, क्लियर हुआ। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ये बिल्कुल आसान है जी, इसमें कोई टेंशन नहीं है। ये सब देखिए फ्री हैंड स्केचिंग में था, तो इसमें आप लोग को ज़्यादा सोचने की भी आपको आवश्यकता नहीं है जी कि कैसे बनेगा जी। तो देखिए ये वाला हमारा इस टाइप से हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये हम लोग प्रॉपर लाइन खींच दिए हैं जी। तो यहाँ पे एक लगेगा जी VM यानी वोल्ट मीटर यहाँ पे अटैच होगा, उसके बाद आगे ध्यान से देखेंगे। ये जो पार्ट है ये ऐसे बीच में एक छोटा सा एक रेक्टेंगुलर शेप में होगा हमारा, अब आगे ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पे एक छोटा सा हम यहाँ पे इस टाइप से हम लोग शेप बनाएंगे। अब इस शेप का क्या काम है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसको हम ये और उसके बाद इसको यहाँ से पास करेंगे, देन पास करने के बाद अब आगे ध्यान से नीचे की तरफ, और उसके बाद सेम ये जो प्रोसेस उधर हुआ है जी, सेम प्रोसेस नीचे भी करके ये, और उसके बाद इस दोनों लाइन को यहाँ से और यहाँ पे वोल्ट क्या हो गया जी, यहाँ से ये वाला हम ऐसे ला के अटैच कर। तो क्लियर हुआ जी, तो हमारा इतना तक ये डायग्राम क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए ये जो फर्स्ट है जी, ये हमारा प्राइमरी क्वाइल बोलता है, क्या बोलता है जी, प्राइमरी क्वाइल के नाम से जानते हैं। ये वाला हमारा हो गया जी, ये सेकेंडरी क्वाइल्स के नाम से इसको जानते हैं। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी हो गया। उसके बाद ध्यान से देखेंगे, अब सेम टू सेम ऐसा ही आकृति एक और इधर बनेगा जी। तो यहाँ पे देखिए ये किसका हम बना रहे हैं, LVDT का ये फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए ध्यान से देखिए, अब सेम टू सेम इसी के पैरेलल हम इधर भी एक फिगर ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद ध्यान से देखिए, और यहाँ से ये वाला सेम टू सेम आकृति ऐसे, उसके बाद ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ से हम इसको ऐसे शो यहाँ पे करेंगे जी, यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप बनाएंगे, और इस शेप का देखिए कैसा फिगर आएगा जी, इस शेप में ये इस टाइप से फिगर आएगा। क्लियर हो रहा है जी, अब आगे ध्यान से देखिए, सेम टू सेम ये जैसा आकृति इधर बनाए थे वैसा ही हम इधर भी बनाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा ये वाला आकृति सेम, उसके बाद नीचे लाएंगे, और नीचे से आने के बाद यहाँ से, और सेम यहाँ से देखिए ये वाला पार्ट ऐसे लाएंगे, और उसके बाद ये ऐसे, और यहाँ आने के बाद फिर इसी के पैरेलल ऐसे इस टाइप से हम आकृति बना लेंगे। अब आगे ध्यान से देखिए, अब इतना बनाने के बाद अब इसमें भी ये वाला प्राइमरी था, ये सेकेंडरी, तो उसी तरह ये भी हमारा क्या है जी, प्राइमरी है। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं जी PRIMARY प्राइमरी क्वाइल, ये हो गया हमारा सेकेंडरी क्वाइल्स, क्लियर भाई। तो ये वाला प्राइमरी और ये वाला हमारा सेकेंडरी। उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग यहाँ पे वोल्ट से अटैच कर देंगे। अब उसके बाद ध्यान से ये वाला तो हमारा फाइनली इतना हो गया। उसके बाद देखिए अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला और ये वाला जी, देखिएगा यहाँ पे एरो से दिखा रहे हैं जी। तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं जी, ट्रांसफॉर्मर, क्लियर हुआ जी। अब उसके बाद देखिए ये वाला जो दाँता है जी, इसको ये जो थोड़ा सा दाँता टाइप का दिख रहा है ना जी, लेकिन वो हमारा क्या है जी, दाँता नहीं है जी। इसको क्या बोलते हैं जी इस भाषा में, LVDT को अफेक्टेड जोन के नाम से इसको जानते हैं। यहाँ पर भी सेम होगा जी,
तो क्लियर हो जाए हमारा, ये क्या हो जाए फाइनली हमारा ये ड्राइंग बनके रेडी हो गया चाहिए किसका, LVDT का। देखिए इस टाइप का अगर शॉर्ट कट नेम आप लोग को मालूम नहीं है जी LVDT या ट्रायक या DC LPN ये सब का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मेरे चैनल पे विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको बिल्कुल आसान भाषा में ये सभी टेक्निकल लाइन से जुड़ी हुई जितना भी शॉर्ट कट नेम है जी सबको प्रॉपर वहाँ पे बताया गया है जी। तो अभी हम लोगों को ये सोल्यूशन बना चुके हैं जी। तो ओके फ्रेंड, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं 13 सितंबर 2021 को, या इलेक्ट्रीशियन हो या वायरमैन हो, उन लोगों को सेकेंड ईयर में ये एग्जाम में पूछा गया था जी। तो हम लोग अभी देखेंगे जी वो ITI सेक्टर के हो या टेक्निकल डिप्लोमा पॉलिटेक्निक या जो भी कर रहे हैं जी, तो उन लोगों को भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फिलहाल ये क्वेश्चन पूछा गया है जी, ये पढ़ना तो है जी ITI के सिलेबस में, लेकिन अभी तक इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा गया था जी। ये फर्स्ट बार है जी जो थोड़ा सा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड चेंज किया है जी ITI सेक्टर में। तो ये पॉलिटेक्निक लाइन में जिस तरह क्वेश्चन पूछा था सेम टू सेम वहीं उसी के जैसा ये क्वेश्चन ITI में भी अब पूछा जा रहा है जी। तो पॉलिटेक्निक में जो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में जो पढ़ते होंगे तो उन लोगों को मालूम होगा जी उसमें किस इसी टाइप का क्वेश्चन अधिकांशतः तो पूछा हुआ रहता है। तो हम लोग अभी देखेंगे इस सबका प्रॉपर सॉल्यूशन जितना मार्किंग किया कर चुके हैं जी, ये 1, 2 का EBC, उस तरह 3 का EBCD, 4 का EBC, ये इतना क्वेश्चन हम लोग सॉल्यूशन बना चुके हैं जी। अगर जो वीडियो नहीं देखे तो वहाँ से जाइए मेरे चैनल पर विजिट कीजिए और प्ले लिस्ट से वहाँ पर जाकर प्रॉपर वीडियो को देखिए और सीखिए कैसे बनता है। हम लोग अभी सीखेंगे जी ये 4 का ये D ऑप्शन है जी, माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर का फिगर कैसे ड्रॉ करते हैं तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में सीखेंगे कि माइक्रोमीटर कैसे ड्रॉ किया जाता है जी। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 4 का ये हमारा D हो गया जी, क्वेश्चन नंबर 4 का D माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर तो ये माइक्रोमीटर का डायग्राम कैसे बनेगा तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तब आप लोग को समझ आए। तो माइक्रोमीटर का आप लोग जैसे अगर कोई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो नहीं देखे तो माइक्रोमीटर का और विस्तार रूप से बताएं जी अपने चैनल पर कैसे ड्रॉ किया जाता है, तो वहाँ पे भी से भी देख सकते हैं या नहीं जानते हैं तो हम यहाँ पे प्रॉपर वैसे बता दे रहे हैं जी। तो देखिए एक सेंटर लाइन लेते हैं जी, बिल्कुल पतली लाइन, क्या जो 2H पेंसिल हो या H ग्रेड की पेंसिल हो जी, तो जो पतली चलती हो जी हल्का, तो उसी की सहायता से हम लोग यहाँ पे लेंगे। और उसके बाद यहाँ से देखिए अब यहाँ से एक सेंटर लाएंगे और उसके बाद HB पेंसिल का से हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा हम लोग अभी क्या बना रहे हैं जी, तो माइक्रोमीटर का फिगर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं जी। तो कैसे माइक्रोमीटर का फिगर होता है तो उसको ध्यान में रखते हुए देखिए, ध्यान से देखिए ये इस टाइप से ये पार्ट हुआ। अब उसके बाद ध्यान से देखिए ये जो पार्ट है ऐसे रहेगा, क्लियर हो जाए जी। अब उसके बाद देखिए ये वाला जो पार्ट है जी ऐसे हमारा होगा जी, क्लियर हुआ। इस टाइप से हमारा ये फिगर, ये इस टाइप से आकृति एक दो ठो बनाएंगे, क्लियर हुआ। अब इतना बनाने के बाद आप ध्यान से देखिए ये इधर से एक छोटा सा ये इस टाइप से पार्ट होगा, देन यही सेम प्रोसेस इससे थोड़ा सा बड़ा होगा इधर जी, और ये वाला इस टाइप से हमारा आकृति होगा, क्लियर हुआ जी। तो ये हम लोग क्या बना रहे हैं जी, तो माइक्रोमीटर का फ्री हैंड स्केचिंग डायग्राम बना रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा अब उसके बाद इसी के पैर इसी के बराबर यहाँ से और फिर हम लोग यहाँ से इस टाइप से एक लाइन शो करेंगे, क्लियर हो रहा है जी। अब उसके बाद ध्यान से देखिए अब बीच वाला लाइन से ये वाला यहाँ से इस टाइप का यहाँ पे एक क्या होता है जी स्केल टाइप का होता है जी। अब यहाँ से हल्का सा देखिए ये हल्का सा टेपर फिर और ये टेपर और उसके बाद इसको ऐसे हम लोग शो करते हैं, क्लियर हुआ जी। अब इतना करने के बाद यहाँ से ध्यान से देखिए ये वाला पार्ट हुआ और उसके बाद ये ऐसे हम लोग शो ऐसे कर देते हैं, तो हमारा फाइनली इतना तक क्लियर हुआ जी। अब आगे ध्यान से देखिए बिल्कुल आसान है जी, कोई इसमें ज़्यादा झमेला नहीं है जी। अब इसी के पैरलर यहाँ से एक लाइन लेंगे, फिर इसी के पैरलर सामने से यहाँ से एक लाइन लेंगे। अब यहाँ पे ये इस टाइप का आकृति यहाँ से हम लोग लास्ट में बना देंगे। तो ये वाला हमारा क्या जी लगभग हमारा माइक्रोमीटर ड्रॉ हो चुका। अब उसके बाद यहाँ से देखिए तो ये वाला हमारा यहाँ तक बना कंप्लीट हुआ। उसके बाद ध्यान से देखिए ये है जी हमारा यहाँ पे 0.01 mm ये वाला हमारा ये क्या हो जाए फ्रेम का निर्माण हुआ। उसके बाद ध्यान से देखिए ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग शो करेंगे ऐसे, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पार्ट को हम लोग ऐसे शो करेंगे। तो यहाँ से ये वाला फाइनली हमारा इतना तक हो गया जी। थोड़ा सा देखिएगा जी आवाज़ में थोड़ा सा आप लोगों को फ़र्क दिख रहा होगा, लेकिन क्या हो जाए थोड़ा सा तबीयत तो थोड़ा ख़राब है मेरा, तो इस कारण थोड़ा सा आप लोग मेरा आवाज़ में थोड़ा सा देखते हुएगा परिवर्तन हुआ है जी। तो इसको नज़रअंदाज कीजिएगा और देखिएगा जिसको भी जो प्रॉब्लम हो रहा है जी यहाँ पे अगर समझने में जिसको भी प्रॉब्लम हो रहा है जी तो वो कमेंट करेंगे जी, या नहीं तो मेरा नंबर है जी अबाउट सेक्शन में, तो हमसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं जी। अगर ड्राइंग से रिलेटेड किसी भी स्टूडेंट को या कोई भी हमारे ऐसे दोस्त हो जिनको कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा है जी तो डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। तो ये वाला हमारा फाइनली यहाँ तक हमारा फिगर कंप्लीट हो गया। तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी नॉर्मली ये माइक्रोमीटर बन गया। अब उसके बाद ध्यान से इसका सबका हम लोग नामांकित करेंगे। तो नामांकित देखिए देखिए इस पार्ट को क्या कहते हैं जी, तो इसको देखिए रैचेट, इसको रैचेट स्टॉप के नाम से जानते हैं जी, क्लियर हुआ। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये वाला इसको हम लोग थिंबल किस नाम से जी,
थिम्बल के नाम से जानते हैं। उसके बाद ध्यान से देखिए ये वाला जो पार्ट है इसको हम किस नाम से जानते हैं जी, तो बैरल स्लीव, बैरल स्लीव के नाम से इसको जानते हैं। उसके बाद ध्यान से देखिएगा ये जो अंदर वाला ये पार्ट है जी, यहाँ से ये दिख रहा है जी यहाँ पे, ये तो इसको स्पिंडल किसके नाम से जानते हैं जी, स्पिंडल के नाम से जानते हैं। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो इन व्हील के नाम से जानते हैं। उस सॉरी ये वाला स्पिंडल क्या है जी, ये लॉक है, स्पिंडल लॉक के नाम से जानते। और ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग स्पिंडल बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, स्पिंडल के नाम से जानते हैं। और ये वाला हमारा क्या है जी, ये वाला हमारा तो फ्रेम है, क्लियर हो। तो ये फाइनली हमारा क्या है जी, माइक्रोमीटर 100% बन के रेडी हो चुका है। ऐसा कि यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं जी, या 13 सितंबर 2021 को ये एग्जाम में पूछा गया था, तो इस सबका हम लोग सोल्यूशन प्रॉपर देख रहे हैं जी कैसे बनाया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा जी। तो देखिए इस क्वेश्चन का देखिए, बाकी सभी क्वेश्चन को इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन का ये सेकंड ईयर में ये पूछा गया था जी। सबसे पहले तो ये जान लीजिए ये फिटर वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जी, जो पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा कर रहे हैं जी, तो उनको उन लोगों के लिए फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो देख सकते हैं जी। और अगला बात है इसमें जी, जो ये प्रॉपर सभी क्वेश्चन है जी सबका सॉल्यूशन हम लोग बना चुके हैं। यहाँ पे देखिएगा यहाँ लास्ट तक चार का ये डी तक बना चुके हैं हम लोग। अभी चार का ई बर्डन ट्यूब के बारे में हम लोग सीखेंगे कैसे बनाते हैं जी। ये सभी क्वेश्चन अगर नहीं देखे हैं तो जाइए वहाँ पे चैनल पे, जाइए मेरे चैनल पे विजिट कीजिए और वहाँ पे देखिए कैसे इसको बनाया जाता है। तो विशेष वहाँ पे काफ़ी आसान तरीका से आप लोगों को बताया गया है जी कैसे बनाया जाता है जी। तो आप लोग ध्यान से ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए और सीखिए जी, क्योंकि और जो नए स्टूडेंट्स हैं तो उन लोग भी प्रॉपर ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ITI में ऐसा हो रहा है एक ही क्वेश्चन को बार 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 पूछा जा रहा है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन आप लोग को प्रॉपर बता दे रहा है जी, कि बच्चे कमेंट करते हैं सर कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा था या चीज़ नहीं बताए हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन बता दे रहे हैं जी। तो अभी ध्यान से देखिएगा ये बर्डन ट्यूब के बारे में हम लोग सीखेंगे कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे और बिल्कुल आसान मेथड से जी। तो ये क्वेश्चन नंबर चार का ई है जी, ABCD बन चुका है और यहाँ पे हमारा ई ऑप्शन है जी, ई में है लिखा हुआ है जी BURDONE बर्डन ट्यूब। बर्डन ट्यूब का फिगर कैसा होता है जी, तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे जी। तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे तो सबसे पहले हमको कंपास की आवश्यकता होगी जी, तो सबसे पहले हम लोग कंपास लेते हैं जी। और कंपास लेने के बाद यहाँ से देखिए एक सर्कल ऐसे ड्रॉ करते हैं, क्लियर भाई। देन इसी के जस्ट अपोजिट नीचे एक और ऐसे इस टाइप से हम लोग यहाँ से सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो क्लियर भाई। तो इस टाइप से हम लोग सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। देन उसके बाद ध्यान से देखिए ये जो सर्कल ड्रॉ किया है यहाँ पे हम लोग इस टाइप से हम लोग आकृति बना देंगे। और उसके बाद ध्यान से देखिए इस टाइप से हम लोग आकृति बना देंगे। और उसके बाद देखिए ये वाला इस टाइप से हम लोग यहाँ पे देखिए हम लोग क्या बना रहे हैं जी, बर्डन ट्यूब बना रहे हैं जी। तो इसको ध्यान में देखते हुए देखिए, अब उसके बाद ये जो बाहरी लाइन है जी इसको देखिएगा, यहाँ पे हम लोग ऐसे आकृति लगभग बना चुके हैं जी। तो आप लोग थोड़ा सा ये क्या होगा कि इस टाइप से हम लोग बना लेंगे। उसके बाद ध्यान से देखेंगे आगे ये वाला जो पार्ट है जी इसको इस तरह मूवेबल करते हुए, इस टाइप से मूवेबल करते हुए नीचे की तरफ लाएंगे। यहाँ से ध्यान से देखिएगा ये वाला पार्ट ऐसे हम लोग शो करेंगे। और उसके बाद इसको ये वाला जो इस टाइप का डायरेक्शन है जी इसको हम लोग प्रॉपर ऐसे शो करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा ये वाला पार्ट हम ऐसे शो कर दिए, क्लियर हो रहा है जी। अब देखिए इतना शो करने के बाद हम इसको देखेंगे आगे, इतना शो कर दिया उसके बाद ध्यान से देखिए ये जो पार्ट है जी ऐसे, तो इसको ऐसे इस टाइप से हम लोग शो किए। और इसके बाद देखिए ये वाला जो पार्ट है जी ऐसे, देन ये वाला पार्ट है जी ऐसे, तो इसको दोनों को आपस में ऐसे अटैच कर दीजिए, क्लियर हुआ जी। तो हमारा ये क्या जो फाइनली इतना तक ये रेडी हुआ जी। अब आगे ध्यान से देखेंगे ये वाला, और इसके बाद ये वाला पार्ट ऐसे सो ऐसे हम लोग कर देंगे। ध्यान से देखिएगा जी ये वाला, तो इस टाइप से हम लोग शो कर दीजिए। तो फाइनली हमारा इतना तक क्लियर हुआ। अब आगे ध्यान से देखेंगे ये है क्या है जी, हमारा चार का ई बना रहे हैं जी। अब इसको देखिए अभी ये वाला हमारा फाइनली इतना तक बन गया जी, बस इसमें कुछ नहीं है जी। अब इसमें करना क्या है जी, अब इसको इसका प्रॉपर हम लोग नामांकित करेंगे। तो किसको किस नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो ये वाला हमारा पार्ट है जी ये वाला, तो अब इसको किस नाम से जानते हैं जी, तो ये वाला हमारा क्रॉस सेक्शन के नाम से इसको जानते हैं जी। तो क्रॉस सेक्शन ये वाला पार्ट हुआ। उसके बाद देखिए ये जो अंदर वाला ये पार्ट है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं जी, ये वाला जो अंदर वाला पार्ट है, तो इसको देखिएगा टूथ क्वाड्रेंट के नाम से इसको जानते हैं। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है इसको हम किस नाम से जानते हैं जी, तो इंक्रीजिंग प्रेशर के नाम से इसको जानते हैं। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये वाला, तो ये वाला हमको लीकेज क्या बोलते हैं जी, लीकेज के नाम से इसको जानते हैं, लिंकेज के नाम से, लीकेज नहीं जी, लिंकेज के नाम से इसको जानते हैं। उसके बाद देखिएगा ये वाला जो अंदर वाला पार्ट है इसको किस, ये वाला जो हल्का सा पॉइंट दिख रहा है जी, इसको हम लोग पिनोट के नाम से जानते हैं। उसके बाद ध्यान से देखिए ये जो पार्ट है इसको हम लोग
एंचोर ब्लॉक है, क्या बोलते हैं जी, एंचोर ब्लॉक के नाम से हमारा जानते हैं। उसके बाद ये वाला जो है जी, यहाँ से ये वाला, तो ये हम, ये वाला हमारा हो गया जी प्रेशर। तो ये वाला हमारा फाइनली इतना तक कंप्लीट हुआ जी। तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी, फाइनली हमारा बॉयडन ट्यूब बन के 100% रेडी हो चुका। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में इसी तरह का और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर।